वेलकम बैक टू अनदर गेमप्ले वीडियो ऑफ रेंज सिमुलेटर। और जैसा कि तुम सबको याद होगा, इस पिछले एपिसोड में मैंने अपने कार फार्म को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया था, बट एक शिट हो गई गाइस। मैंने उसके अंदर पानी का तो इंतजाम ही नहीं करा, दो ऑटोमेटिक फीडर लगा दिए बट विंडमिल तो लगा ही नहीं। और तुम लोगों का भाई याद दिलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बट अब याद दिला के क्या फायदा। अब विंडमिल लगाऊं तो लगाऊं कहां, गेम में चलते हैं और देखते हैं भाई, कोई तो जगह बनानी पड़ेगी। वैसे ज्यादा बड़े नहीं होते विंडमिल, ट्राई करते हैं, काम बन जाएगा। लॉकडाउन में आर्किटेक्ट की पढ़ाई करी थी, दिक्कत हो गई भाई। ओके गाइस, तो अभी मैं अपने गेम में आ चुका हूं और ये रहा अपना काउ फार्म और बाकी। अरे एक छोटू वाला ट्रैक्टर, छोटू। और हाँ, तुम लोगों ने बताया कि ग्रास काटने के काम में आता है, तो ये इसमें है तो सही। हाँ ये समझ गया मैं, ग्रास काटने के काम में तो आता है, बट ये कौन सी ग्रास काटता है भाई। अबे ऑन करने का तो कोई बटन ही नहीं है इसमें। और इतना ग्रास वो काट रहा है क्या, काट रहा है ग्रास। अबे मैं इसको जहां जहां फेर रहा हूँ वहां वहां घास काट दे रहा है ये। ये देखो यहाँ पे पूरी पे, ये देखो ये काटा इसने ग्रास। ओ इस काम में आता है ये। अरे ये तो एक जगह काम में आ सकता है मेरे, इधर इधर ये काम में आएगा या मुर्गियों के। साला ये मुर्गियां कहीं भी अंडा दे देती है। रुकना, अंदर कुछ जाएगा क्या। गेट खोलियो, और गेट खोलियो, लेट्स गो। और शिट कर दी मैंने, शिट कर दी, नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा, नहीं छोड़ो, बंद करो। अरे यहाँ पे मैं इसलिए घास काटना चाह रहा था, देखो इनने देखना। ओ अबे मार मार खाना चाह रही है, अबे अंडा दे दिया इसने गलती से, छोड़ कोई बात। ये देखो भाई कितने सारे अंडे दे रखे हैं बाहर। अरे यार इतने सारे बाहर क्यों दे रहे हो, तुम अंदर दो ना, दो दो घर। ये क्यों बंद कर रखा, इसे खोलो। अरे अरे बेचारी मुर्गियां गिरे जा रही है, कहां कहां से गिर रही है, क्या हो रहा है पता नहीं मुर्गियों का। छोड़ो, और तुम्हारा क्या चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है। मेरे को बाहर जाने दो, बाहर जाने दो। छोटू ट्रैक्टर बढ़िया काम आता है यार, घास बढ़िया काट रहा। समझ गया। हाँ भाई अभी बात थी यहाँ की, और यहाँ पे लगाना विंडमिल। बताओ कहाँ लगे विंडमिल। मैंने पूरा ब्लूप्रिंट तो कंप्लीट कर दिया था, बस इसके अंदर वुड वगैरह डालनी है। और हाँ भाई यहाँ पे लग सकता है विंडमिल, ये खाली जगह है जहाँ पे विंडमिल आराम से लग सकता है, बट क्या वो पूरा एरिया कवर करेगा, ये सोचने वाली बात है। रुक जाओ, सोचा साथ की बाद में करेंगे, पहले विंडमिल लगा के देखते हैं। यहाँ पे अगर मैं ऐसे विंडमिल लगा दूं, उधर की साइड मुंह करता हूं, रुको, इस विंडमिल ये हो गया उधर की साइड मुंह, ठीक है। इस विंडमिल को अगर मैं यहाँ लगा दूं तो क्या ये पूरा एरिया कवर करेगा। ओके कितना एरिया कवर कर रहा है जरा देखने तो मेरे को। ओ सही है भाई, एक विंडमिल अगर मैं यहाँ लगा देता हूँ ना तो डन 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 हो जाएगा लो। अरे ऐसी थोड़ी है, सिस्टम हैवी कर देंगे लो। इधर की साइड फेस है ना, इसको पलटो उधर की साइड, ठीक है। इसको पीछे करो, इसको थोड़ा सा इधर करो, और इसको लगा दो इधर। लो इसको ऑन करो, उस वो बंद हो जाएगा। ये देखो ये वाला ऑन हो गया, और ये वाला इतना एरिया ले रहा है, ठीक है ना, क्या दिक्कत है। ये देखो इसका एरिया देख लिया तुम लोगों ने, और अभी इसका एरिया देखो, पूरा भाई पूरा पूरा कवर हो गया, बढ़िया है। चल भाई बंद हो जा। अब मुझे आज के दिन बहुत सारी वुड लानी है, और उससे भी पहले बहुत सारा पैसा कमाना है, क्योंकि -82 में चल रहा हूं मैं, और लोन चल रहा है माथे पे वो अलग है, ठीक है, पैसा बिल्कुल ही नहीं है। और एक सेकंड शिट, ये भी खाली होने वाला। अरे ट्रैक्टर हट जा तू यहां, मुझे फटाफट देखने दो भाई क्या सीन चल रहा है वरना। अरे पैसा खूब है, पैसों की कमी है, अभी बताता हूं पैसा खूब कैसे। ये देख रहे हो तुम, ये जो इससे बिखरे पड़े हैं इतने सारे पिगीज। अरे प्रेग्नेंट है भाई, जो प्रेग्नेंट नहीं है उसको दे मारो गोली। चल भाई तेरा ना टाइम बीत लिया, बहुत दिन हो गए तुझे यहाँ रहते हुए, समझ रहा है ना तू, देख मेरी बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। गोली दिख रही है तेरे को, ये कुछ नहीं, अंदर जाएगी बस तेरे, ऐसे करके अंदर चली जाएगी। और कौन सा तू चल क्यों नहीं पा रहा है। अरे ज्यादा बड़ा हो गया वो इंसान, वो चल भी नहीं पा रहा, उसको मारो सबसे पहले। बाकी तेरा क्या चल रहा है, क्या तू माँ तो नहीं है ना, माँ तो नहीं है ये, माँ तो नहीं है, गारंटेड माँ नहीं है। बड़ा पिगी नहीं है क्या यार इनमें, लॉन्डो में बड़ा पिगी चाहिए मेरे को। ये रहा बड़ा पिगी, ओ ये रहा बड़ा पिगी, तू गया बेटे। और तू माँ है, ओ ये तो माँ है। खाना क्यों नहीं खा रहे तुम लोग, ज्यादा हो गए हैं यार इसलिए खाना भी नहीं खा पा रहे बेचारे। मारो सबको मारो, ये माँ है इसको उठाओ। ये क्या कर रहा है ये, अरे छोटे छोटे से भी माँ है। चल 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 बस, अरे अब भागने की जरूरत नहीं है, अभी छील देता हूँ इनको, दो सेकंड रुको, और अभी भर के ले जा रहा हूँ इन्हें। बस पैसा यहीं से आएगा सारा मेरा जीवन। क्या हुआ यहाँ पे, लाश पाश मार दी क्या मैंने। तुम सब तो लौंडे हो ना, क्या बढ़िया मस्त मजे करो, लौंडिया हो ना, सॉरी तू भी एक बच गया है, तू बच गया एक। चल भाई छीलो इसको, अभी फटाफट से मैं बहुत सारे कंटेनर लेके आता हूँ, इनको भरना स्टार्ट करता हूँ। अरे हट जाओ यार हट जाओ, देखो ये बहुत बुरी लगती है मेरे को तुम्हारी आदत, तुम मुंह पे आ जाते हो एक तो है, हट जाओ यहाँ से। अरे बंद कर इसको, हट ना भाई, देखना कैसे क्या मैं भाई मार दूंगा, अब मेरे हाथ में जो आएगा उनको मार दूंगा, अभी तो देख देख के मार रहा हूँ, फिर मैं देखना भी छोड़ दूंगा। हाँ चलो भाई एक एक करके कंटेनर अंदर रखो, अरे बंद करो, दूसरा कंटेनर रखो अंदर की साइड, बंद करो। तीन कंटेनर, चार कंटेनरों में कम से कम आएगा। और भाई अब इनको मैं ऐसे ही नहीं बेचने वाला, सॉसेज बना के बेचूंगा जैसे कि तुम सबने कहा था। रुक जाओ, अभी सॉसेज के लिए भी बहुत सारी मशीनें लानी पड़ेगी। अरे यार सॉसेज के लिए मशीनें लानी है तो फिर मतलब मशीनें ये रही मेरे पास सिंगल, छोटी छोटी है, मैनुअल वाली है मेरे पास, मेरे को इलेक्ट्रिक चाहिए यार, मैनुअल कब तक करता रहूंगा काम इस पे। मेरे को कुकर भी चाहिए होगा जहां तक है, और मेरे को एक अलमारी बनानी है, वो भी बनानी पड़ेगी, वो भी पता नहीं कैसे बनाऊंगा। अरे तू यहां रखा रहे चुपचाप। चलो भाई एक एक करके सारे काम करता हूं, वैसे
कूलर के अंदर ब्लू मोल्ड पड़ा हुआ है, थोड़ा पैसा यहाँ से आ जाएगा, इसको लो इसमें डालो, इसको लो इसमें डालो, इसको लो इसमें डालो, ठीक है। अभी दूध और पड़ा हुआ है मेरे पास बहुत सारा, फटाफट से सारे दूध का ब्लू मोल्ड बनाता हूँ, ये भी बेच के आएंगे। और भाई बहुत सारी खबरें आई है, देखो तुम लोगों ने ये चीज भी बताई कि मेरे को बेस्ट बर्गर पे कब बेचना है ये, ठीक है। उसका भी एक पर्टिकुलर टाइम होता है, ऐसे नहीं बेच देने का, सिस्टमैटिक चलने का, बिल्कुल वो सिस्टम हम देखेंगे। अभी रुक जाओ, वहां पे कोई तो स्क्रीन वगैरह लिखी हुई आती है, वो देखेंगे बाद में। पहले इसमें अंडा डालो, 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 और अब इन सबको स्टार्ट कर। चलो बचाया अभी दूध, इस प्यार को कैंस भी लानी है मेरे को, और दूध की कैंस भी लानी है। अरे क्या क्या नहीं करना है ये पूछो मेरे से। लो पहले तो मैं ये भर लाऊं, सारी चीज भर लाऊं, रुक जाओ। डब्बा नंबर एक, ओए होए, ओ ये देखो तू, ये देखो गाइस, ऐसे होते हैं बच्चे हमारे यहाँ पे, बस दिल से दिल भिड़ते हैं, भले ही 4 किलोमीटर दूर हो इंसान की, 6 किलोमीटर दूर हो, आपको पूरे बच्चे मिल जाते हैं। चलो ये गेट खोलो, यहाँ का काम हो गया, अभी ये निकालो, 1 2 3 4 5, अभी और बनाने रख दिया है, अभी मेरे को लाना है और दूध, ठीक है। दूध और भाई गाय भी बहुत सारी हो गई है, गाइस हो गई है, गाय छोड़ो गाइस हो गई है, देखना भी दिखाऊंगा। इगड़म बिगड़म, ये देखो, ये देखो तुम, और वो कहा मशीन लाया था ना मैं, हाँ यही रख दी थी, इनके बगल में ला के रख दी थी मैंने मशीन। अब मेरे को दूध दो फटाफट फटाफट, 1 2, देखो कितनी काउज है, मैं बताऊं 1 2 3 4 काऊ है, अच्छा काऊ 4, ये बुल ज्यादा हो गए, हाँ ये दिक्कत होगी ना, बुल ज्यादा हो गए, ये भी बुल है, 3 3 4 4 बुल हो गए। हटो रे हटो, तुम यहाँ से हटो, ला दूसरी काऊ का दूध निकालने दो। और बीफ भी कितने हो गए, 3 बीफ हो गए, 4 बीफ हो गए, एक और बच्चा, एक बड़ा हो गया, क्या क्या बात है, ला इसका भी दूध दो। और ये बुल है, और ये ओके, 2 काऊ हो गई है, बीफ काऊ 2 हो गई है, ला भाई तू भी थोड़ा दूध दे ही दे, अभी ये नहीं दे रही, अच्छा कंप्लीट ही हो गया ये, रुक जाओ, 2 4 कैन लानी पड़ेगी, 2 4 कैन लानी पड़ेगी, देख रहे हो तुम, और 2 4 तो क्या भाई, इस बार वो आज के दिन वो वाला फार्म कंप्लीट होने वाला है, तो 2 4 कैन की जरूरत ही नहीं है, बहुत सारी कैन लानी पड़ेगी मेरे को, बट बहुत सारे के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए होगा, वो पता नहीं कहां से आया। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, चलो कर्ड एग और ब्लू मोल्ड, एग और ब्लू मोल्ड अलग अलग कैसे रखे हुए हैं ये, इसमें से और दो में डालो अभी, हाँ भाई इनको भर रहा था, इनको भरता रहता हूँ मैं, कंटिन्यू करता हूँ इनको भरना। ये पोक के 3 डब्बे आ गए हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत दूध और बच रहा था इनका, वो ले लूं पहले, किसका बचा था भाई, ये तो रह गया सिस्टम, देखना तो रह गया, चलो कोई बात नहीं, जितना जितना जिससे आ रहा उतना ले चलता हूँ मैं, फटाफट भी तो इमरजेंसी में पैसा चाहिए बहुत सारा। इधर आ रेखा, तूने दे दिया दूध, वो है उसके पास, ये हो गया 21, और इसमें और बच रहा होगा थोड़ा, इसमें नहीं बच रहा, ठीक है, एक ये काऊ बच रही है, तू भी दे, चलो सबने दे दिया भाई, सबने दूध दे दिया है, मेरे को ये उठाने दो, लेट्स गो। एक बीफ का नहीं निकाला होगा, छोड़ो बीफ का नहीं निकाल रहे, बीफ को अब काटेंगे बाद में, कुछ देर बाद में, पहले मिल्क बना लूं मैं सारा। और हाँ भाई तुम लोगों ने बोला कि ये सब भरने के लिए भी एक कंटेनर आता है, देखो इसमें तो नहीं भरा जा रहा ये, है ना, तो कौन सा फ्रूट कंटेनर बता रहे थे ना, अब वो पता नहीं भाई फ्रूट कंटेनर कहाँ मिलेगा, वो देखना पड़ेगा मेरे को, थोड़ा जांच पड़ताल करनी पड़ेगी मेरे को, जब तक मैं यहाँ से भी भर लेता हूँ कुछ सामान, थोड़ा बहुत तो पैसा मिलेगा। अबे ये सूखा गए भाई, सब सूख गया मेरा माल, यहाँ ग्रेप्स उगाऊंगा, बढ़िया है ग्रेप्स उगाओ, ज्यादा माथा फोड़ी नहीं है, सीधी सीधी डंडियां उग जाती है, और ग्रेप्स के भी सूख गए सारे पेड़, ये लो अभी क्या हो रहा है, इतनी जोर से सूख क्यों रहे हैं सब, कोई बात नहीं भाई, एक तो ये बेचने के लिए माल आ गया, एक ये बेचने के लिए माल आ गया, बाकी अभी के लिए पोर्क भी बेच दूं क्या, क्या कहते हो, क्योंकि अभी इसके लिए मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, और मेरे को चाहिए पैसा बहुत सारा, क्योंकि ये भी तो बनाना है, देखते भाई 2 4 मुर्गियां मार दूं, क्या कहते हो, नहीं नहीं मुर्गियां नहीं मार रहा, मुर्गियां एकदम बहुत सारी इकट्ठी हो जाएंगी ना, जब तक फूटी पड़ रही है तब मारूंगा। चलो भाई छोड़ो, मैं ये पोर्क भी बेचने जा रहा हूं, बाद में ले लेंगे, और पोर्क हो जाएगा अपने आप, बहुत सारा बहुत पैसा है अपने पास, सॉरी बहुत पैसा कह रहा हूं, बहुत पिगीज है अपने पास। चलो इस गाड़ी को लेके, अरे नहीं यार इस गाड़ी के साथ साथ मुझे ये भी तो ले जाना पड़ेगा, और ये ले जाने की जगह मैं क्या करता हूं, मेरा बड़ा वाला ट्रक लेके चलता हूं, उसके अंदर सारी वुड, क्योंकि वो तो भाई चलता ही नहीं है यार, वो बड़ी मुश्किल से चलती है, वो ट्रॉली खींचती नहीं है वो ट्रॉली। चल भाई तू लग इधर की साइड चल, देखो ये कम से कम मैनेज तो हो जाता है, बढ़िया चलता है ये, ला दे सारे आइटम अंदर रखने दे मेरे को, 1 2 3 4 और 5। और गाइस अब मैं समझ गया हूं कि ऑफर देख के बेचना होता है बेस्ट बर्गर पे, हर वक्त नहीं बेचना होता, अगर ऑफर चल रहा होता है तो ही बेचना होता है, ठीक है, तो वो ऑफर भी देखते हैं। पहले तो तू सड़क पे चढ़ जाएगी, यू कैन डू इट, ओके लेट्स गो। और मुझे डॉग भी लाना है, डॉग तुम लोगों ने बताया कि डॉग लड़कियां उठा के लाता है, ओ सॉरी लकड़ियां उठा के लाता है, अरे मैं कुछ भी बोलने लगता हूं, जवान लड़का खा गई है मेरी लड़का। चलो भाई ये भी उठा लिया मैंने रस्ते का माल सस्ते में, और ये क्या रात हो गई क्या, अबे रात हो गई है, शिट हो गई है, ये तो रात नहीं हुई है, शिट हो गई है जोर से, मुझे घर जाना चाहिए बट मैं घर जा नहीं रहा हूं, मेरे को ये बेचना है, अब रात में बेचने निकला तो रात में बेच के आऊंगा इसको, फिर बात करूंगा मैं। और गाड़ी मोड़ जल्दी मोड़, सीधी चलता है, और रोक 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 मोड़ 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 रोक रोक दे, बस अब मुझे देखने दे, यहाँ
यहाँ पे ऑफर। अरे गाड़ी में पागल पागल सा, गेट खोल। अब यहाँ ऑफर चलते हैं देखो। हाँ यहाँ प्राइस चल रही है 1.4x पे, रोस्टर मीट चिकन और अरे समझ गया समझ गया। अभी देखो कर्ड कर्ड का नहीं चल रहा है, तो अपन कर्ड बेचने से फायदा नहीं है यहाँ पे। कहाँ है ग्रेप्स वगैरह तो सब जगह नॉर्मली बिकते हैं। पोर्क पे चल रही है, इस पे नहीं चल रही ब्लू मोल्ड पे, है ना। तो ब्लू मोल्ड नहीं बेच रहे हैं, इसमें से वाइल्ड मीट निकाल लें दो एक मेरे को, वो इसमें डाल देता हूँ मैं, यहाँ रख दो। चलो भाई ये सब बेच सकता हूँ मैं। वाइल्ड मीट पे भी नहीं चल रहा है अभी, वाइल्ड मीट पे भी अभी ऑफर नहीं चल रहा है। चिकन पे चल रहा है, चिकन बेच सकते हैं, काट के ले आएंगे चिकन। टुडेज स्पेशल सही है भाई सही है। पोर्क चिकन और रोस्टेड, तो पोर्क तो बहुत सारा है, पहले सारा पोर्क बेचो यहाँ। ये लो ये पोर्क 1000 का एक जा रहा है एक डब्बा, 1000 2000 3000। बाकी ग्रेप्स वगैरह तो सेल करो, ग्रेप्स पाइनएप्पल। वाइल्ड मीट ज्यादा का जा नहीं रहा, वाइल्ड मीट भी सेल करके उठाओ। चलो लेट्स गो, कर्ड में कल के दिन करूंगा सेल। और लाइट जलाओ यार, अंधेरा हो गया यहाँ पे। ये दे दे मेरे को कर्ड है, इसका डब्बा रखते हैं अंदर की साइड, बाकी अभी के लिए अंदर जमाऊं सारे। यार मैं वुड लेने आया था, मेरे को घर जाना पड़ेगा क्या पहले? मैं सोचा था वुड साथ में लेके जाऊंगा। इसको जमाऊं कोने, इसको जमाओ कोने में, इसको जमाओ कोने में, इसको जमाओ कोने में। चल भाई गाड़ी में बैठते हैं और अब देखते हैं कहाँ जाना है कहाँ नहीं। वही मेरे माते की लाइट है जो देखो आगे तक दिखा रही है ना, ये सही है। देखो ये वाली ज्यादा लगती है लाइट, अपने माते वाली लाइट क्या मस्त दिखा रही है आगे। लेट्स गो भाई, सूरज की रोशनी इतनी तो है, सूरज कह रहा हूँ, चांद की रोशनी इतनी है कि मैं वुड खरीद सकता हूँ। बस हार्डवेयर स्टोर खुला हुआ हो, बंद नहीं हो गया हो, क्लोज अलग हो जाते हैं भाई, बड़े शान पट्टी लोग हैं, शान पट्टी बहुत है। अलग कोई बैठता है नहीं फिर भी बंद करके भग जाएंगे। बंद तो नहीं है ना, बंद तो वो खुला है, खुला है। मैं खरीद देता हूँ, पहले खरीद देता हूँ बाद में उस ट्रक को अंदर ले जाऊंगा। मुझे खरीदने 50 पीस तो इसके पहले, तो ठीक है ये हो गया 50 पीस। कितने कह रहे 1600 रुपए के, कोई दिक्कत नहीं है बाय करो। उसके बाद मुझे कुछ मेटल चाहिए शायद, हाँ मेटल 1 2 3, ये एक विंड मिल के लिए। और यार इतना तो पैसा ही नहीं है। रुक जा, ये मत खरीद। अभी मेरे को ऑटोमेटिक फीडर भरना है यार, वो भी तो नहीं भरा। ऑटोमेटिक फीडर फिट हो जाएगी, पहले फटाफट से सारी वुड जमाओ इस ट्रक के अंदर और जल्दी चलो। अभी के लिए गाइस मैंने मेटल नहीं खरीदा है जो कि मेरे विंडमिल में लगने वाला है, लेकिन ठीक है बाद में खरीद लूंगा मैं। अरे पीछे मत ले पागल वागल एकदम, उधर लेके चलो, उधर लेके चलो, उधर लेके चलो, बस रोक दे। अब सारे जमाता हूँ भाई, 2 मिनट रुको, 2 मिनट में तो नहीं जमेगा लेकिन जम जाएगा, जितनी भी देर में जमेगा। 1 2 3 चलो भाई मैंने सब कुछ जमा दिया एकदम बढ़िया से। इसके नीचे तो नहीं है ना, देखने दो, हाँ इसके नीचे नहीं रह गया। चलो भाई मस्त गेट बंद करो और चलते अब यहाँ से फटाफट से। सबसे पहले जाते मुझे फीडर भरना है, उसके बाद सोऊंगा मैं, क्योंकि सुबह उठते वो खाना मांगेंगे, मैं कहाँ से लाके दूंगा खाना उनको, एक एक को खिला के थोड़ी आ जाऊंगा। जल्दी चलो जल्दी चलो, गाड़ी मोड़ गाड़ी मोड़। वो अब तो ये ट्रक भी बढ़िया चल रहा है, मेरे से एकदम चलाना आ गया बढ़िया तरीके से मुझे। अरे कहते ही बेइज्जती हो जाती है। रुक जा, इधर से नहीं जा रहे, रास्ते से जाएंगे, जो रास्ता है ना अपना जाने वाला उस रास्ते से चलेंगे। और रात में भी यहाँ गाड़ियाँ खूब चलती है, ऐसी बात नहीं है रात में गाड़ी नहीं चलती है। ये है देखो अपना रास्ता जाने का ना, इस रास्ते से जाओ तो कोई समस्या नहीं है। और यहाँ पे भी वाइल्ड मीट पड़ा हुआ है, मैंने नहीं मारा भाई, ये अपने आप मर जाते हैं, तुम्हें पता नहीं है अपने आप मरने लग गए आजकल, अपडेट अपडेट आ गए ऐसे अपने आप मर जाते हैं, पैसा कमाने का साधन हो गया अलग। चलो इस गाड़ी को डायरेक्ट रखेंगे यहाँ पे, नहीं यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ रखनी है। अबे गलती से उतर गया, ठीक है चलो कोई बात नहीं, रुक गया। और ये भरो, भर तो दिया है मैंने, अब पता नहीं मर ना जाए अंदर। वैसे पिगीज हैं, ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, मुर्गियों से फर्क पड़ता है लेकिन मुर्गियां जल्दी से मरती नहीं है। बाकी आज के लिए गुड्डी गुड्डी नाइट, मिलते हैं कल। अरे सो जाना साढ़े सोनी, ये आदमी सोनी, गुड मॉर्निंग गाइज, मॉर्निंग हो गई है गुड एकदम। चलो अभी मेरे को ये पूरा बनाना है, एक झटके में पूरा बना दूंगा, मुझे कोई मतलब नहीं है, पैसा लेके आऊंगा आज के दिन। आज के दिन कर्ड पे अगर ऑफर चल रहा होगा तो, और कल के दिन मैं दोबारा दू E2 मैंने। अबे उठ, अरे आल मेरी फट गई थी एक बार के लिए मैंने की, मर लिए सारे, सो रहे हैं घोड़े बेच के सो रहे हैं भाई। जितनी जोर से घोड़े बेचे जा सकते हैं उतनी जोर से बेच के सो रहे हैं। लाओ गेट खोलो, गेट खोलो फटाफट फटाफट ना, फेंसेस वगैरह बनाने दो। 1 2 3 4 5 पीछे लो पीछे लो पीछे लो, अब थोड़ा थोड़ा बच रहा है काम, इसलिए गाड़ी चलाते चलाते यार 2 होने चाहिए, मजदूर होना चाहिए जो गाड़ी चलाए और मैं पीछे पीछे करके डालता रहूं। ये देखो वापस से पीछे लो, थोड़ा सा थोड़ा ज्यादा ले जाता हूं, बस यहां पे गाड़ी खड़ी कर देता हूं, यहां पे लगाना है बहुत सारा, ठीक है। लाओ पहले तो ये फेंस पूरे करूं, 1 2 3 चलो अभी ये पूरे करने हैं, वहां से करते हुए आते हैं 1 2 3 4 और ये 5 लेट्स गो। ये फेंस गेट है ना, ये ज्यादा लेता है भाई माल, ये माल ज्यादा लेता है। और ये इसमें डाला, ये साइड भी पूरी हो गई है, 2 साइड एकदम पूरी हो गई है, तीसरी साइड अभी पूरी करते हैं। रुक जाओ, और गाड़ी मोड़ घुमा, जोर से गाड़ी घुमा दे, आगे चलना है आगे चलना है। यहाँ पे भी पूरा और खाया, अच्छा ये तो मैंने पूरा पहले ही कर दिया था, ठीक है बस एक जगह डालना है, थोड़ा सा वुड डालना है, तो इधर दो, इसमें डालना है, इसमें डालना है और इसमें डालना है, इसमें डालना है, हो गया काम। इसको वापस अंदर रखो और अब बैठ के चलो गाड़ी में आगे। कहाँ रह रहा है काम? अरे यार ये हटाने पड़ेंगे पेड़, वैसे भी हटाने पड़ेंगे, पहले ही हटा देता हूँ मैं। ये तोड़ो, इसको हटाओ, ये 2 पेड़ आड़े आएंगे, ये हो गया एकदम सही। अभी बैठो गाड़ी में,
में। अब चलो आगे, ये भी आड़े आएंगे, इधर की साइड भी शायद आड़े आने चाहिए, या फिर नहीं आएंगे तो बढ़िया ही बात है। चलो यहाँ लगाओ, अब यहाँ रखना है वुड थोड़ा बहुत। हो गया यार, हो गया काम, हो गया, ज्यादा नहीं बचा हुआ। अभी बस राउंड में फेंस लगेगी एक बार और, उसमें ज्यादा नहीं जाएगा सामान। ये लो हो गया काम, और अभी इतनी सारी वुड पड़ी हुई है अंदर की साइड, देखो ये पूरा हो गया है। अब दिखाता हूँ भाई तुम लोगों को, आ जाओ मेरे साथ आओ तुम। खोलो गेट, खोलो, ये देखो ये कॉन्क्रीट वगैरह पड़ा हुआ है, इसमें डाला नहीं क्या? अरे जाना इसमें जा कॉन्क्रीट। अब देखो भाई सही लग रहा है कि नहीं लग रहा? फीडर ऑन कर दूं यहाँ के सारे। चलो फीडर ऑन करने के लिए मेरे को मेटल लाना पड़ेगा सब जगह से, जितना बिखरा बिखरा पड़ा है मेटल। ये गेट खोलो सारे, ये डाला इसके अंदर मेटल। बच्चों ये मेटल कहाँ है भाई मेरे सारे? इस वाली ट्रॉली पे होने चाहिए, देखने दो। ओके ये रहे ये रहे ये रहे, 50 का ही उठा लाया हूं मैं। ये डालो इसमें, ये एक और 50 का ले आया। अब शायद बन जाना चाहिए, नहीं 125 लेता है एक में मेटल, ये 108 हो गए। मेटल कम कैसे पड़ गया? मैंने कहीं अच्छा उधर का वो बना दिया है मैंने। और ये देखो ये बन गया है, ये पूरा बन गया है। बचा हुआ मेटल इसमें डाल देता हूँ, ये 10, और ये लास्ट बचा हुआ 10 है भाई। कितना रह गया इसके अंदर अभी? अबे कंक्रीट भी कम है इसके अंदर, मेटल भी कम है, तो कंक्रीट कैसे कम है? अरे यार ये काम थोड़ी चलेगा ऐसे, वैसे इससे काम चल जाएगा बट उधर की गायों के लिए काम नहीं चलेगा, बस इसलिए बना रखे हैं। देख रहे हो दो दो तीन तीन गायों को बचाने के लिए इतना बड़ा सिस्टम बना देता हूं, सेटअप कर देता हूं पूरा सेटअप। लाओ भाई अब साथ की साथ ना मैं वो बनाऊं पहले। तो ये सब चीजें तो बन गई हैं, ये तो ठीक है। अब इनके लिए खाने के लिए तो जुगाड़ करना पड़ेगा कुछ, खाने के लिए जुगाड़ होगा। ये देख, एक ये यहां रखेंगे, उसके बाद दो छोड़ेंगे, एक रखेंगे यहां पे, ठीक है। उसके बाद वापस से एक दो, रुक जाओ कितने यहां पे कितने छोड़े, दो और आधा, तो ये आधा हो गया। और ये एक दो ये यहां लगा दूं क्या? हां ठीक है यहां लगा देता हूं, इस कोने की जगह यहां लगा देता हूं अंदर की साइड, है ना। ये कुछ कुछ एरिया तक पी लेते हैं, जो बुल तो बगल में डोलेगा उसकी तो दिक्कत ही नहीं है ये, लेकिन ये कुछ कुछ एरिया तक पी लेते हैं वो सही है। अब वाटर के लिए कहां लगाना है वो मुझे देखना पड़ेगा थोड़ा सा। इधर की साइड वाटर लगा दूंगा, एक इसको लगाता हूं मैं इधर, ठीक है एक, और ये एक लगाता हूं मैं इधर। जाओ ये आड़े आ रहा, ये लग गया यहां पे, यहां पे वाटर बाउल लग जाएगा एक वापस से। इसको लगाते हैं यहां पे, फिर एक दो, इसको वापस यहां लगाओ, फिर वापस से एक दो, और सही है ठीक है हां। उसके बाद वापस एक, अच्छा ठीक है तो कंप्लीट ही हो गया। इसको लगा देते हैं यहां पे, अभी बचता है वापस से यहां से एक, वापस से एक छोड़ो, दूसरा छोड़ो, या वाटर वाला आएगा क्या? ये सही है सेटअप, सही बैठा कि नहीं बैठा? सामने देख के आंदो मेरे को, सामने कितने लग रखे हैं? सामने एक यहां लग रखा है, एक यहां लग रखा है, एक बगल में लग रखा है। रुक जाओ एक यहां और लगेगा, ये वाला एक लगाना पड़ेगा यहां पे। उसके बाद अब लगाना चालू करते हैं वाटर बाउल्स, यहां तो आराम से ज्यादा ज्यादा लगा सकता हूं, तो यहां लगा देता हूं दो, तो ठीक है ये दो लग गए यहां पे। उसके बाद अब यहां कहां लगाया जाए? देखो अगर मैं यहां पे थोड़ा सा दूर ऐसा लगा दूं तो क्या सही हो जाएगा? क्या ये सही है काम? बुल यहां से निकलेगा तो वो तो खापी कैसे मिलेगा, बट यहां पे भी आना चाहिए बुल, तभी काम चलेगा। रुक जाओ अब मेरे को फेंस और लगा के देखनी है, फेंस देना जरा मेरे को, ये रही फेंस, ये लगेगी इतनी दूर, ठीक है एक एक बॉक्स दूर लगेगी। तो करो सीधा, क्या ये सीधी है? नहीं ये सीधा नहीं है, अभी अभी सीधा है। देखो ये इतना एरिया रहेगा, आराम से निकल जाएगी भाई बुल, कोई दिक्कत नहीं है। लाओ अब मुझे ना ये बनाना है सीधा सीधा, कितना ऊपर है ये, सही है ना यार ये रेट। ये देखो ये देखो ये सीधा नहीं बन रहा है, ये तो दिक्कत पड़ जाएगी। यहाँ लग, उसके बाद यहाँ पे लग, बट ये तो आ गया बाहर। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये सीधा नहीं बना हुआ है? तुम्हें भी ऐसे ही लग रहा है? दिस इज राउंड वर्ल्ड भाई, ये सही है, ये सीधा बना हुआ है या फिर नहीं बना हुआ है? अब ये क्या, ये सीधा? अरे ये सीधा है, ये सीधा रुक, इससे मैंने सीधी लाइन बना दी है। अब क्या ये सीधा लग रहा है तुम लोगों? अभी अंदर की साइड लग रहा है मेरे को, लेकिन यहाँ खड़े हो तो ये सीधा है, यहाँ खड़े हो तो ये सीधा है। चक्कर क्या है? बड़ा चक्कर है भाई इन चीजों में। अभी इस पे नहीं जुड़ेगा क्या? ये जुड़ तो गया है, तो यहाँ लगाता हूँ और अब देख के आता हूँ। सही जुड़ा है ये, ओ सही जुड़ा है, नाइस, ये हो गया एकदम परफेक्ट नाइस। अरे और लगाना था अभी वैसे तो, लेकिन भाई ये देखो अब समझ में आई ना, इस एरिया में घूमेगा बुल, जो कि यहाँ पे अटैच हो जाएंगे ना, वहां पे काऊ है यहाँ पे बुल है, तो हो जाएगा उनका बच्चा, हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। पहले पूरा राउंड मैं लगा देता हूँ इसको, सब जगह से बाधाएं हटा दूं एक बार। रुको ये रखो यहाँ पे, ये एरिया साफ कर दिया मैंने, देखो कितनी सारी वुड थी, बाकी अब ये एरिया और बच गया। ये एरिया भी इतना साफ कर दिया है, बचा ये एरिया, लेट्स गो, ये एरिया भी साफ हो गया है, ठीक है यहाँ से यहाँ तक फेंस आएगी। उसके बाद एक ये हटा देता हूँ, चलो सब कुछ सेट है। और भाई बुल के लिए कितना बड़ा एरिया है, और पता है एक बुल नहीं छोड़ेंगे, दो चार बुल छोड़ेंगे, जिससे कि आराम से वो अपने अपने एरिया में घूमते रहे। और देखो ये वाला स्पेस ज्यादा हो गया, ये वाला स्पेस कम है, अब इनका क्या करें? किसी का स्पेस ज्यादा हो जा रहा है, किसी का कम हो जा रहा है, तो कुछ नहीं कर सकते, छोड़ो। वैसे एक काम कर सकते थे अपन, फाउंडेशन से अगर लगाना चाहें, रुक जाओ फाउंडेशन कहां गया, फाउंडेशन ये रहा। देखो ये फाउंडेशन के हिसाब से अगर मैं लगाना चाहूं तो मैं लगा सकता हूं, क्या कहते हैं, बात सही है कि नहीं? बट ये हटाने पड़ेंगे अब वापस से मेरे को फीडर्स वगैरह। इधर भी एक फाउंडेशन का गैप हो, नहीं वो इधर एक फाउंडेशन और गैप नहीं है ना, एक फाउंडेशन से कम का गैप है वहाँ। चलो अब पता रहेगा, मैं एक बार एक एक फाउंडेशन लगाया हूँ सब जगह, एक फाउंडेशन से हल्का सा ज्यादा गैप चाहिए मेरे को, तो सीधी जाएगी लाइन, यहाँ से लेके यहाँ तक की लाइन चाहिए। उसके बाद इसमें भी एक ये चाहिए और एक ये चाहिए। चलो भाई यहाँ पे एकदम परफेक्ट आएगा, सही है, इतनी बड़ी जगह है यहाँ पे, और ये वाला एरिया तो बहुत ज्यादा ही बड़ा हो जाएगा। ये इस यहाँ पे भी कुछ लगाएंगे, फेंस दो पहले, तो अब इसको सीधा करना है उधर की साइड, ये सीधा है, चलो कंटिन्यू कर, टेढ़ा तो नहीं जा रहा ना, टेढ़ा जा रहा है, टेढ़ा जा रहा है, टेढ़ा जा रहा है, नहीं इधर से सही लग रहा है। एक दो, ये
स्पेस बड़ा हो गया, टेढ़ा जा रहा है ये। 9, 10 भाई ये बुल वाला मिशन फेल होता दिख रहा है, बाकी पूरा तो फार्म बन गया बट ये बुल वाला मिशन फेल होता दिख रहा है, क्योंकि देखो इतना बड़ा एरिया नहीं रखना भाई यहाँ पे बुल के लिए। रुक जाओ, ये सब हटाने वाला हूँ वापस से मैं पूरा का पूरा। चलो भाई अभी मैंने वापस से सब कुछ हटा दिया है, ये और बच रहा है 1 और 2। बुल वाला पार्ट बाद में देखेंगे, पहले मेरे को अपना फार्म पूरा करने दो। मैंने सोचा था ये बुल वाला पार्ट भी बहुत सही लगेगा बट यार बहुत टेढ़ा मेढ़ा हो जा रहा है। बुल का क्या करना है अभी देखते हैं, ठीक है। बट उससे पहले ये बनाता हूँ मैं, लाओ फीडर्स बना दूं मैं सारे। अच्छा फीडर के साथ में मैंने बाउल नहीं रखे ना, बाउल रखूं पहले। ये बाउल दो, एक ये बाउल यहाँ आ जाएगा आराम से। एक बाउल यहाँ आ गया, एक पानी का बाउल यहाँ रख देता हूँ, एक इसके आगे, एक इसके बगल में, एक यहाँ पे, ठीक है। और इसके आगे लगाने की जरूरत नहीं है, वैसे तो बगल में ही है वो, लेकिन ठीक है इनका वो के लिए पड़ेगी जरूरत। एक यहाँ लगा दो, इसको उठाओ, के बाद में एक यहाँ और यहाँ लग गया। चलो ठीक है डन हो गया, ये यहाँ बच रहा है एक, ये लगाओ। भाई इतनी सी काउज के लिए इतना सारा लगाने की जरूरत नहीं थी बट ये बहुत दूर दूर है ना काओ, तो क्या पता भाई कहीं से इनको एक्सेस हो पाए कहीं से एक्सेस नहीं हो पाए। इन दो काउस को तो यहाँ से एक्सेस हो जाएगा, इन दो काउस को इसमें एक्सेस हो जाना चाहिए जहां तक उम्मीद है, ठीक है। देखते हैं भाई, कोई सी मरेगी तो अब मर जाएगी, वहां पे मैं वापस से लगाऊंगा फिर, और तो क्या ही कर सकते। अभी एक एक करके सारे पॉट बनाना चालू करता हूं भाई। एक बन गया है, और उसमें वाटर कहां से आया इसके अंदर है बे? ओ वहां का विंड मिल काम कर रहा है, और ये अरे ये मत काम करा यार वहां का, ये तो शिट हो जाएगी ना, वो बहुत जल्दी जल्दी खाली होने लग जाएगा ना, ये नहीं चाहिए ना मेरे को बहुत जल्दी जल्दी खाली हो। सब अपने हिसाब से बराबर बराबर काम करो, ऐसे मत करो, जिस एरिया में तुम बने हुए हो उस एरिया के लिए काम करो, दगाबाजी मत करो दगाबाजी। चलो एक ये बन गया यार, सब में वो ही भर रहा है अभी फिलहाल, तो वो ही भर रहा है। मैं अगर वो बना देता तो वो भी भर सकता था वैसे। अच्छा एक इधर भी तो बना रखा है मैंने, सामने वाला भी तो बना दिया वैसे। वाटर में तो कोई दिक्कत ही नहीं, देखो वाटर तो खूब अनलिमिटेड है अपने पास। ये लो ये भी बन गया, अब चलते हैं आगे और ये वाला बनाना है, 1, 2 और 4। और भाई शाम होने वाली है, आज मैंने दूध ही नहीं निकाला उनका दूध, ये तो शिट हो जाएगी ना फिर वापस से, शिट हो जाएगी गाइस। जो पैसा कमाने का साधन तो देखूं, नई चीजें बन रही है वो तो ठीक है, पैसा कमाने का साधन ही नहीं होगा तो शिट हो जाएगी। दूध निकाल के लान दो मुझे, पहले दूध निकाल के लान दो सबका, फिर बाद में देख। लाओ भी लाओ, ये लगाओ इसके अंदर। अभी 3 गाय बच गई हैं, शायद 3 या 4 गाय बच गई हैं, 2 गाय में से तो ले लिया ना, 2 गाय बच रही है बस। 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4 अरे उसमें अंडा, अरे अंडे खत्म हो गए, लो कर लो बात। इसमें है क्या? इसमें भी नहीं है। अंडे लेके आओ, थोड़े से अंडे लेके आओ, बच्चा तो नहीं है ना इनमें से तुम्हारा कोई, अंडे फूट गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इसको रखो वापस से यहाँ पे, और अंडे दो, डालो अब चालू हो जाओ काम, ठीक है। थोड़ा बहुत दूध और बच रहा है वो ले आऊं मैं। लाइट जलाओ, किसका बच रहा है? कौन सा है यहाँ पे? ये दे पहले, ये निकाल दे, तू बच रहा है? ओ इसका बच रहा था, ठीक है। और यहाँ पे कोई है? एक ये बच रही है, काओ सो जाओ भाई सो जाओ, अब तुम सो सकते हो आराम से, कल आऊंगा मैं, कल के सुबह परेशान करूंगा वापस, क्योंकि थोड़ा बहुत पैसा कमाना है मेरे को, देखो सीधी बात। चलो वापस दूध डालो, खत्म हो गया दूध। 1, 2, 3, 4 अब चलते गाइस सोने, आज की रात एकदम बढ़िया नींद सोएंगे, चैन की नींद, गुड्डी गुड्डी नाइट। गुड मॉर्निंग गाइज, लेट्स गो। आज के दिन अपन शिफ्ट करने वाले हैं अपनी काउज को अपने फार्म के अंदर। नहीं अरे अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, विंडमिल तो बनाना ही भूल गया, लेकिन हाँ आज ही बन जाएंगे, विंडमिल भी बन जाएगी आज ही, आज ही सारा काम हो जाएगा। बस कर्ड पे ऑफर चल रहा हो भाई, कर्ड पे ऑफर नहीं चल रहा होगा तो फिर मैं बेच नहीं पाऊंगा, और अगर बेच नहीं पाया तो पैसा होगा नहीं मेरे पास। क्या भाई सही बात बोल रहा हूँ तुम्हारे लिए? नहीं बोल रहा, तुम्हारे पास खाना खूब पड़ा है ना? हाँ खाना होना चाहिए खूब भाई। शाम को निकाल के सुबह दूध देते थे भाई ये, मुझे पता है, मुझे अच्छे से पता। अरे नहीं दे रहा है, कोई सा दूध नहीं दे रहा है। मैंने सोचा आज के दिन डबल दूध आ जाएगा तो पैसा कमा लूंगा मैं, इन्हें तो दूध ही नहीं दिया। छोड़ो मेरा ट्रक कहाँ है? उसके अंदर एक वो पड़ा हुआ था। ओए हटो, ओए हट जाओ। इसके अंदर मेरा वो वाला डब्बा कौन सा है जिसके अंदर माल पड़ा हुआ था? बढ़िया दिखेगा कैसे, पहले ये जमाता हूँ भाई, सब मैं लगाता हूँ। ये आगे लेके चलो, गाड़ी आगे लो यहाँ पे, और आगे और आगे और आगे, बस लाओ एक एक करके दो। ये तो खत्म ही होने वाली है भाई, मुझे वुड और लानी पड़ेगी, फीडर्स बनाने के लिए भी वुड और लानी पड़ेगी। ये 1, 2, 3, 4 देखो अब नहीं बनेगा ना ये, इसके अंदर पड़ा है सारा ब्लू मोल्ड। लाओ ये दो मेरे को, इसमें थोड़ा बहुत और ब्लू मोल्ड डालना है, और पेट्रोल भी भर के लाना है यार। पेट्रोल मेरी सारी गाड़ियों में खत्म हो रखा है इस टाइम। इसमें कितना ब्लू मोल्ड आ गया? ठीक है अच्छा खासा ब्लू मोल्ड है। क्या मेरी ऑटो में पेट्रोल है ताकि मैं वहां पहुंच जाऊं? अरे नहीं है यार, एंड पे है पेट्रोल। रुको ये रहा पेट्रोल, इसको डालो पहले इसके अंदर, और अब जितनी भी कैंस है ना वो सारी भी लेके जा रहा हूं, पेट्रोल पंप भी जाके आएंगे डायरेक्ट। एक एरी है ना, और कहां रखी हुई है कैंस, कहां है सारी? इसको और भरूं फीडर को। ओ ये फीडर भी खत्म हो रहा है जल्दी जल्दी, इधर तो कहीं कैन नहीं है। ओ मेटल पड़ा है बहुत सारा यहां पे, लेट्स गो। मेटल यहां पे रखा हुआ था मेरा आधा, कितना मेटल है ये? 20 मेटल है। ये छोड़ो मेरे को यार वो चाहिए, ऑयल वाली कैंस थी मेरे को सारी, मेरी 2 ही मिली यार, मेरे पास कितनी सारी कैंस थी बताओ, कैन ही नहीं है यहाँ पे। इन सब के लिए एक जगह बनानी पड़ेगी प्रॉपर, वरना ही सब होती रहेंगी ऐसे। इनके अंदर लगा हुआ है क्या कोई सा कैन? इनमें भी नहीं है। चलो भाई अभी के लिए तो 2 ही कैन मिली, मतलब टोटल 3 कैन है मेरे पास, और 3 नहीं होनी चाहिए थी मेरे पास, कम से कम 4 या 5 कैन होनी चाहिए थी अकॉर्डिंग टू मी। लेट्स गो भाई, पहले पेट्रोल पंप भी चलते क्योंकि पेट्रोल कम। अच्छा पेट्रोल भर लिया ना अब तो, वैसे मैंने पेट्रोल भर लिया है, कम नहीं पड़ेगा। बेस्ट बर्गर भी जा सकता हूँ पहले, तो ये आ गए अपन बेस्ट बर्गर, और
और यहाँ पर लगा दे। अरे लगा ढंग से, लगा ढंग से, बस 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 इसको उठा के रख देता हूँ। हाँ भाई अब चल रहा है कार्ड पे। अरे बीफ सॉसेज, बीफ ओ और एग। अभी टाइम तो बीफ बेचने का, रुक जाओ बीफ आज बीफ भर के लाऊंगा। जो एक काव है ना सबसे पुरानी वाली, उसको काट दिया जाए, क्या कहते हैं? लेकिन वो बच्चे दे रही है, अब उसको कैसे काटूं? मेरे को तो यही समझ नहीं आ रही, ये कौन सी बात हुई? ओए रुकी, ओए ओए सुन मेरी बात, देख बात ऐसी है, तू घर को चला जाए यहाँ से, ये घूमने की जगह नहीं है, बच्चों की जगह नहीं है, ठीक है भाई? उसको मैं बस बता रहा था घर चल जाए, ठीक है? वो चला जाएगा घर थोड़ी देर में। अरे भरोसे के इंजेक्शन लगाया बस, ज्यादा कुछ। चलो भाई पेट्रोल पंप चलो। अब मेरे को समझ में नहीं आ रही मैं क्या बेचूं क्या नहीं। बीफ काओ भी नहीं मार सकता तो बीफ काओ नहीं बेच सकता, क्या बेचूं क्या मैं? वो एक बार यहाँ पे देखना, वो ये भाई वो ये जो जिंदा होके आ गया है वहां से, ठीक है? मैंने उसको बस सुई की इंजेक्शन लगाई थी, बीमार था बेचारा। ले भाई को लगाओ यहाँ पे, इसको दो और एक एक को भरो। किस कदर पैसे कट रहे हैं, किस कदर पैसे कट रहे हैं, 1000 रुपए है मेरे पास, पूरे खर्च हो जाएंगे। ये हो गया इसके अंदर, ये लगाओ दूसरे में, स्टार्ट करो। काउंटिंग आती है इसमें कितने का भरा इसने? ओ हाँ काउंटिंग आ रही है, दिस सेल। अभी जब से वो पाइप निकाला है इसमें से, जब से 80 रुपए का भर चुका है शायद। अब बचा किसके अंदर, इसको दो यहाँ रखो, और ये इसके अंदर लगते है 0 हो गया होगा, नहीं 80 है अभी। वापस उठाओ इसके अंदर लगाओ। ओ ये तो गलत बात है यार, 0 तो हुआ ही नहीं है, वापस 80 से चालू हो गया इसके अंदर लगाने के बाद भी। ये क्या है? E2 स्टॉप रीफिलिंग, नहीं ओ ये कुछ तो है, क्या पता क्या है। ये दो अब इसके अंदर भर, तीनों टैंक फुल करा दिए मैंने, देख रहे हो। चलो ये भी फुल हो गया, अब तेरे को जो करना कर। 136 रुपीज का मैंने टोटल पेट्रोल भराया शायद, अगर इसकी इसका मीटर सही है तो। पापा से टंकी नहीं, और भाई बीफ मेरे को काटना ही पड़ेगा क्योंकि बीफ चल रहा है 1.6x, तो भाई बीफ बेच के आऊंगा आज के दिन, कुछ भी हो जाए। बीफ सॉसेज भी बेच सकता हूँ, बट बीफ सॉसेज अभी मेरे को बनानी आती नहीं है प्रॉपर, पकाना पकूना पड़ता है कुछ, वो देख लेंगे बाद में। पहले बीफ निकाल के लाओ। पेट्रोल भी खूब आ गया है अब मेरे पास, पेट्रोल की भी एक जगह बना लूंगा मैं, अभी सबके लिए यही जगह है। और इसके अंदर ब्लू मोल्ड पड़ा है, कभी और बेचेंगे। मुझे तो एक खाली, ये एक दो, भाई दो में तो भर जाना चाहिए क्योंकि एक ही काव काटने वाला हूं मैं, ज्यादा नहीं काटूंगा। काटू भी कैसे, काटने का कोई सिस्टम नहीं है क्या मेरे पास? मारना पड़ेगा मेरे को मारना। देखो ये प्रेग्नेंट नहीं है, उसके बाद ये प्रेग्नेंट है इस टाइम, और ये बैल है, ये बैल है और ये भी बैल है। खड़ा हो ये रे, कौन सा तगड़ा, कौन सा लग रहा है तुम दोनों में से? तेरी ऐसे खड़ा हो, तुम दोनों में से तगड़ा कौन सा है? ये है बड़ा वाला, ये देखो ये सूखा हुआ। कितनी हो गई? अबे 4 हो गई है बीफ काउज। ओके फिर तो ये बड़ा वाला काट देता हूँ मैं, इसको काट दूं क्या? बहुत बड़ा है वो भाई, बहुत बड़ा है, सबसे पुराना है शायद वो। रिलोड कर रिलोड कर रिलोड कर, देखो किसको मारना है, किसको मारना है तुम में से? ये भी बहुत बड़ा है लेकिन ये ठीक है। ला तू इधर, आज के दिन तेरी बलि चढ़ा। इधर खोलो इसको, खोलो इधर, अरे बाहर बाहर आ जा, बाहर आ जा, अंदर नहीं, अंदर छेड़ाखानी नहीं करते, थोड़ा दूर थोड़ा दूर। ओए तू अपनी मुंडी अंदर, चल डिशुम। अरे मैंने मार तो दी भाई, कितना माल निकलेगा? वो भाग रहे हैं, वो भाग रहे हैं, अंदर भाग रहे हैं, अंदर भाग रहे हो क्या तुम? नहीं अरे भाग नहीं रहे, शांति में बढ़िया एकदम भाई। कितना माल, अरे यार ज्यादा नहीं निकला, यहाँ पे खून पड़ा हुआ है क्या? चलो भाई देखते हैं कितने में बिकता है सारा, मैं भर लेता हूँ। सॉसेज ज्यादा की बिकेंगे बट अभी सॉसेज नहीं बना रहे, इसको बेच के आते हैं, जितने का बिकता है उतना बहुत है। ओ दो में भरेगा, दो में भरेगा, एक में नहीं भर पा रहा। और क्या महंगा चल रहा था वहाँ पे, वो मैंने पढ़ा नहीं, यही बेच आता हूँ मैं, इससे पैसा आ जाएगा, ठीक ठाक पैसा आ जाएगा। और जितनी वुड इस गाड़ी में आ जाए उतनी वुड भी लेके आनी है साथ में। और क्या आज डॉग पाला जाए? ओए रोक 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 रोक, गाड़ी रोक गाड़ी रोक, ये भी लेके चलते ना भाई रस्ते में से, जितना माल है वो भी उठा ले चलते हैं सारा। इसमें खाली है, ये नहीं खाली, ये खाली है। चलो एक अपन ने यहाँ मारा था, इसको भी भर लेंगे। हाँ भाई तू उठा नहीं? अरे यार देखो मैं तो इंजेक्शन लगा के गया था, मुझे नहीं पता, मुझे लगा उठ जाएगा यार, उठ नहीं रहा, चलो मैं उठा लेता, उठा लिया मैं। अब इसको लगाओ यहाँ पे, और अब बता देख बीफ लाया हूँ मैं, ठीक है? अच्छा एग बिक रहे थे आज महंगे, एग लाने चाहिए थे मेरे, कोई बात नहीं। ये बेचो, 1900 का बिक रहा है, बीफ बिक रहा है 164 रुपीज का। चल भाई बेच दिया मैंने, फिलहाल मेरे पास कर्ड बहुत पड़ा है। देख कर्ड बेच लेना चाहे ना महंगा वाला, कर्ड ले ले तू मेरे से, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कल के दिन शायद आज चल जाएगा ऑफर कर्ड का, कल देख लेंगे। आज के दिन मुझे वुड चाहिए जितनी मेरी ऑटो में आ सके, बस उतनी बहुत है ना। उसके बाद काउस को शिफ्ट कराऊंगा यार, नहीं पैसा तो बहुत चाहिए मेरे को। इसके अंदर से मशीनें भी तो लेके जानी है मेरे को, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, मशीनें भी चाहिए बहुत सारी। इसको रखो नीचे, इसको रखो नीचे, गेट खोलो, और इंटीरियर भी बनाना है अभी, वो उसके लिए भी वुड चाहिएगी मेरे को। तो चलो भाई जितनी वुड ले सकता हूँ उतनी लेता हूँ पहले। और मेरे को साथ में एक और चीज लेनी थी, ये कहाँ गया? कैन लेनी थी 2-3, जितनी कैन लूंगा उतनी मशीन भी लूंगा बाएं में। चल मशीन कहाँ है? ऑटोमेटिक मिल्किंग मशीन थी ना यहाँ, कोई मशीन नहीं मिल रही, ऑटोमेटिक मिल्किंग मशीन कहाँ गई? तो मिली नहीं, तो गाइज शिट हो गई। ये ले लूंगी इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, और ये कितने का पड़ रहा है? 2999। ओ क्या हिसाब बैठाया भाई ने। ठीक है यार मैं लेके आता हूँ, मैं कुछ पैसों का जुगाड़ लेके आता हूँ, ये इलेक्ट्रिक ग्राइंडर्स लेके चलूंगा, मिल्क कैन लेके चलूंगा। और यहाँ पे ऑटोमेटिक मिल्किंग मशीन यहाँ नहीं मिलती क्या? मुझे दिख नहीं रही है कि मिली नहीं रही है, वहां तो मिलती है यार, क्या बोलते हैं जनरल स्टोर पे, यहाँ नहीं मिलती है, जनरल स्टोर पे मिलेगी। बड़ा ट्रक लेके आऊंगा इधर, चलो ठीक है ये वापस रख लो। और अभी चलते फटाफट से घर, और घर जाके कुछ पैसा और कमाने की जुगाड़ देखते हैं। कार्ड बेच दूं क्या यार? वो कार्ड का ऑफर ही नहीं चल रहा है, पता नहीं क्या ही करूं। और एक डॉग लेके चलते हैं, चलो पहले एक डॉग लेके चलते हैं। तुम लोगों ने बोला है लड़कियां लेके आता है वो, अरे लकड़िया लकड़िया मजा, काटो काट काट के इसको दोबारा
बोल रहा हूँ। देखते भाई कितनी लकड़ियां लेके आता है, लेके तो जा रहा हूँ, ये खर्चा और कराएगा भाई। खुद को पालने के लिए पैसा नहीं है यहाँ पे। अब ये डॉगी को और पालो। ला भाई ये है डॉगी, 200 रुपए का डॉगी है और इसका खाना होगा 600 रुपए का। 50 रुपए का खाना दे रहे हैं। कॉलर पैक, इसमें दोनों को खाना है मेरे को, सिर्फ पेट फूड है ये, बाउल है ठीक है। बाउल एक खरीद लेता हूँ और अच्छा वाला खाना ले लेता हूँ मैं ठीक है। ये भी ले लिया मैंने। बिल्ली भी लेके चलूँ क्या? बिल्ली क्या काम आती है? और इनको क्या खुला छोड़ना होता है? ले लूँ क्या बिल्ली? ले लूँ, एक बिल्ली भी ले ली मैंने। चलो ये कितना सामान खरीद दिया, ये खरीद दिया। और मेरे को ये मिल्किंग मशीन खरीदनी है ठीक है, अभी नहीं खरीद रहा। इसको करो चेकआउट। और पेट ले तो लिए मैंने, अभी है कहाँ ये? हेलो ओए भाग, भागे मत ओए कुत्ता भगर, पागल वागल हो गया तुम? ए ए ए इधर आए, म्याऊ। ओए यहाँ लेट गई है तो, ये तो बढ़िया लेट गई यार। डॉगी कहाँ भग रहा? हेलो बडी पिटबुल, ओए इधर इधर आ जा। अच्छा ओके टेम हो गया क्या ये? हाँ टेम हो गया, अब साथ में चलेगा, सही है। अरे नहीं चल रहा वो साथ, इसको घर लेके कैसे जाऊँ? खुद आ जाएगा क्या? देखते रुको, ओए आ जा रे, थोड़ा सा दूर जाता हूँ मैं, देखते खुद आएगा क्या, क्योंकि उसको कोई ऑप्शन दिख नहीं। ए नहीं नहीं आ रहा यार वो खुद से, पागल वागल है क्या तू? अबे अबे देख 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 देख, रुको जरा, पहले सारा फूड वगैरह मैं ऊपर रख लूँ। ये भी यहाँ रखो, ये भी यहाँ रखो, और इधर ही। अरे ओए इधर मेरी बात सुन, प्रेस ई टू पेट। अब ये क्या बात होती है, मैं इसको घर कैसे लेके जाऊँ जरा ये बताओ मुझे। ये भगता तो है, थोड़ी देर के लिए तो भगता है, पता नहीं क्या ये करने भगता है। मुझे घर जाना पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है इसे लेके कैसे जाऊँ यार। रुक जाओ, बिल्ली तो मैं घर लेके जा रहा हूँ, ये खुद से आएगा क्या? आ रहा, ओए आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। नहीं यार सड़क पे खड़ा हुआ है वो। एक तो अभी खरीद लिए, फिर दिल लग जाएगा मेरा, फिर मिलेंगे नहीं मेरे को, ये खो जाएंगे अब इन। अरे सीधा सीधी कर ले गाड़ी, सीधी कर ले। अब बिल्ली तो पहले मैं घर में रखाता हूँ ठीक है, बिल्ली घर में रहेगी मेरे। इधर आ बिल्ली, और खाना मैं भर देता हूँ इनके अंदर, खाना डाल देता हूँ। किधर डालू खाना? ये रहा इनका खाने का एरिया, रखूंगा ये है ना। और ये मेरे को दो फूड में आ रहा है क्या ये? रुक जाए इसको इधर रख, एक ही में से खा लोगे तुम? ये बताओ पहले। अबे नहीं, अच्छा चॉकलेट दिखा के लाना होता है क्या उसको? अरे ये तो मैंने भर दिया है, वाटर और भरना है। रुक बिल्ली तू इधर, चल इधर बैठ जा बढ़िया, गेट बंद कर, ये भी बंद। ये खाएगी तू? ई टू नेम एनिमल। अच्छा अबे मैंने खराब कर दिया, अच्छा नेम टैग है ये। अरे नेम टैग है, रुक जाओ भाई। बिल्ली तो अंदर मैंने पैक कर दी है, अब डॉगी लाने के लिए यार ये लेके जाना पड़ेगा मेरे को बड़ा सारा, या फिर डॉगी खुद से आ जाएगा। देखो खुद से आया नहीं है डॉगी। ये उतारो भाई, वापस चलते हैं फटाफट से, यही कहीं होगा। अरे डॉगी ने आतंक मचा रखा है। ओए सुन मेरी बात, मेरी बात सुन ले, साथ में इधर इधर आ जा। अरे ये प्रेम भाव बाद में कर लेना, इधर गाड़ी में बैठ। अबे आ ही नहीं रहा यार वो, उसको कैसे लेके जाऊं मैं? ओके गाइस अभी मैं ट्यूटोरियल लेके आया हूं, मेरा डॉगी। हाय लोग तुमने मेरा डॉगी देखा यहां पे? डॉगी ओ मिल गया मिल गया, इसको देखो ऐसे सीटी वीटी बजाने का है मेरे को। ये डॉग इज नाउ फॉलोइंग यू, अब फॉलो करेगा अपने को, समझ में आई तुम लोगों को? सीटी बजाने का था बस एक बार। ये देखो बगल में आके बैठ गया। सॉरी सॉरी गाइस सॉरी, सारी समस्याओं के लिए मैं सॉरी चाहता हूं। मेरा डॉगी आ गया, इसका नाम, ओए सुनो मैं देखो, मेरे को नाम सजेस्ट करो, नाम मेरे को जो अच्छा लगेगा ना वो वाला रख लूंगा। जाओ एक तो बिल्ली का नाम बताना है और एक डॉगी का नाम बताना है। इनकी जो कॉलर्स थी ना, वो कॉलर है भाई, वो उनका नाम रखने के लिए है ठीक है। मैं नाम चेंज कर सकता हूँ, अभी डॉगी मेरे साथ फिरेगा मस्त बढ़िया। ले भाई उतर, इधर आ रहा है, देखो पीछे पीछे आ रहा है। पर अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पे मैंने खाना रख रखा है। बिल्ली का बिल्ली बिल्ली ओ ये रही है। अरे रोया मत कर ऐसे छोटी छोटी बात पे, बिल्ली ये रही देखो ठीक है, यहाँ बैठी रहती है बिल्ली। अब वैसे यार बैठानी नहीं है मुझे बिल्ली, खाना खा ले तू बढ़िया से एकदम। और अब मेरे को दोनों का नाम सजेस्ट करो तुम, जा तुम्हारे कहने से खरीद के लाया ना, नाम सजेस्ट करो बढ़िया बढ़िया, जो मुझे अच्छा लगेगा ना वो नाम मैं रख लूंगा ठीक है। तो नाम रखने के लिए ये पड़ा हुआ कॉलर, इस कॉलर को रखते हैं यहाँ पे। अभी मेरे को पानी अलग से भरना पड़ेगा, लाओ पानी लेके आऊं पहले तो। और इनके लिए घर भी बनाना पड़ेगा भाई, घर नहीं बना रखा, मतलब डॉग के लिए तो घर बनाना पड़ेगा, बाकी कैट का पता नहीं। लाओ अभी वो कहाँ है, वाटर बकेट कहाँ? ये रही वाटर बकेट, ये रही पानी भर के लाओ फटाफट कुएं से पानी। अरे कुआ ये रहा मेरा भाई, कैसे आड़ी टेढ़ी जगह पे कुआ है भाई? किसी पुराने जमाने में कुआ होता हुआ करता था, मैंने इसको तोड़ा नहीं है, बस इतना सा अंतर है। नए बनाएंगे, नया बनाएंगे बाद में बनाएंगे, पहले इसको लेके चलो। और पेट फूड के लिए और लाना चाहिए था यार, अभी इसको मैंने एक तो बैठाऊं कैसे, अभी क्या मेरे पीछे पीछे डोलता रहेगा? ये तो शिट वाली बात नहीं है। तू इधर बैठ, इधर इधर मेरे पास, यहाँ बैठ जा, बैठ जा चुपचाप। बिल्ली भागी, बिल्ली भागी, इसकी भैंस की आंख भग गई। अरे हट जाना भाई, बिल्ली भग गई। लो 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 कर लो बात कर लो। ओह बच गया, बच गया मैं। बिल्ली को पकड़ के लाइयो रे, ओए बिल्ली पकड़ के ला यार, ये तो भग ऐसे जंगल में बिल्ली कहाँ दिखेगी मुझे? अरे ये शिट वाली बात नहीं करती मैंने, अब क्या इन्हें डोलने दूं क्या? ऐसे ही डोलने दूं? ओ ये देख रुक साढ़े रुक, मिल गई भाई बिल्ली मिल गई। अब भाई ये चीज और बताना, अभी तो मैं अंदर पैक कर रहा हूँ इन, ये चीज सब कुछ एक कमेंट में एक साथ लिख दिया करो ठीक है। एक चीज बताना एक साथ, कि ये भग तो नहीं जाएंगी, मतलब कहीं भी खुला छोड़ दू ना, अपने आप घर आ जाएंगी, खाना पीना खा लेंगी ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। और अगर तुम बोलोगे नहीं इसको पैक करके रखो, तो इनका प्रॉपर घर बनाएंगे, एरिया बनाएंगे, फिर पैक करके रखेंगे। मैं इसलिए तो नहीं ला रहा था यार इनको खरीद के, इनके लिए ना अभी खाना पीना ढंग से ना कुछ, लेकिन मैं खरीद लाया हूँ ठीक है। अभी मुझे वुड्स वगैरह लगानी थी इसके अंदर और काउ शिफ्ट करनी थी भाई, ये काम करो, जो काम है वो काम का काम मैं कर नहीं रहा हूँ। अबे तू चलना, ट्रक क्या हो गया तेरे का, ये क्या आड़े आ रहा है? वुड भी खत्म हो गई है। और ये लकड़ियां लाता ना, अभी देखो मेरे को ये लगाओ, मेरी वो काय मशीन का है, ये मशीन दो इधर, और इसको फॉलो करवाऊं, कहां है ये आदमी? अरे आ ओए,
सुनता नहीं है क्या पागल वागल से। इधर चल इधर। अबे आई नहीं ना, फॉलो ही नहीं कर रहा है, उसको मतलब ही नहीं है मेरे से भाई। रुकियो जरा इधर आ, इधर पहले प्यारी प्यारी करूं इस आदमी के मैं, ठीक है। अबे नहीं आ रहा है भाई, वो नहीं आ रहा है, वो अपनी मर्जी का मालिक है, वो कर रहा है जो करने दो उसको, छोड़ो। मुझे थोड़ी बहुत वुड काटनी है, इसको लगाओ यहाँ पे, ये वुड कलेक्ट करके दे तो बढ़िया, नहीं दे तो बढ़िया। चलो मैं वुड काटना चालू कर दिया मैंने, अब ये कम्प्लीट करना स्टार्ट करते हैं। लाओ ये सारे कलेक्ट करो, इसको उठाओ, ये दोनों कलेक्ट करो, बंद करो इसको, बंद करो। एक बार अंधेरा हो गया भाई, ये ऐसे तो मैं कब तक ही काटता रहूंगा। चलो भाई मैं चलता हूँ सोने, गेट में खुला ही छोड़ देता हूँ क्योंकि डॉगी बाहर घूम रहा है, बिल्ली अंदर घूम रही है, देख लेंगे भाई, तुम लोग अपने हिसाब से देख लो। तेरे को मैं यहाँ बैठा देता हूँ अभी के लिए, मैं जा रहा हूँ सोने, कर लो जो करना, गेट खुला हुआ पड़ा है। गुड नाइट गाइस। लेकिन अब एक और झंझट हो गया ना, अब इनका खाना भी टाइम टू टाइम भरो, देखो इसके अंदर से। ओ कम तो हुआ नहीं अभी खाना, कम तो नहीं हुआ भाई खाना। चलो सब छोड़ो, आज के दिन चलते हैं और काउस शिफ्ट करते हैं भाई। इधर की तो सब लगा दी ना, इधर भर देता हूँ सारी काउ, इधर भर देता हूँ। इसके अंदर नहीं आया, देखो इसके अंदर नहीं आया ना, क्योंकि वो ये वाला काम कर रहा है यहाँ पे। ओए काम तो करना चाहिए, ये भरा नहीं है क्या? ए जरा देखने दियो। अच्छा ये भरा हुआ नहीं है ना, हाँ कोई बात नहीं कोई बात नहीं। ए इसको बंद कर, खोल। चलो अब मैं सबके गेट खोलता हूँ पहले, 1 2 3 4, ठीक है। इसमें भी आएगी काउ, इसमें भी आएगी, इसमें भी आएगी, इसमें भी आएगी, इतनी तो काउ नहीं होगी बस, ठीक है। चलो एक एक करके लेके आऊंगी अपना वो ट्रक। अरे यार ट्रक खाली करना पड़ेगा, लेकिन लाओ मैं खाली कर देता हूँ। ये सब हो गया खाली, बैठो इसके अंदर, और भाई हल्का फुल्का तो काम स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे अपना। और ये भी पता पड़ जाएगा कि अपने वो फीडर्स जो मैंने लगाए हैं वो सब काम कर रहे कि नहीं कर रहे, किसी से मर तो नहीं रही ना काउ वगैरह। लाओ इधर आओ। अरे बुल नहीं चाहिए, बुल अभी नहीं चाहिए। अरे यार आफत मचा रखी है, सब गेट पे खड़े हैं। इसको अंदर फिट करो, ठीक है। और अब मैं घुसूंगा यहाँ से, यहाँ पे भी बैठा कोई इंसान तो घुस अंदर घुस। यार जिसके पेट में बच्चा है वो नहीं ले जा रहा अभी, अभी फिलहाल मैं वहाँ पे बच्चे नहीं करवाना। अरे यार सबके पेट में बच्चे हैं, कर लो बात, सबके पेट में बच्चे हैं, कोई बात नहीं, आ जाओ वहीं बच्चे कर देना तुम अपने, और वहीं पाल पोस लेना तुम, बढ़िया। क्या अनलोड करूं? अरे ये चल अब तो बैठ जाएगी इसमें, दूसरी कौन सी बैठने तैयार है? तू आ जा, तू आ जा। ये दो काउ ले ली मैंने, बैठ जा जल जा। हाँ, ये बैठ गई। तीसरी काउ अपने पास है ये। अभी कितने सारे बैल्स हो गए यहाँ पे, बैल्स ही बैल्स। तू आ रही, आजा 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 आजा, तोरे रंग समाजा। चल अंदर बैठ जा, चली जा चली जा चली जा। और ये चली गई, अब तू बच रही है ना, तू भी अंदर जा। चार लो भाई, चारों मैंने अंदर पहुंचा दिए, गेट बंद कर दो, ये भी बंद करो, इसमें बैठो और चलते। चार काउज है भाई और प्रेग्नेंट चारों की चारों, मतलब चार और हो जाएंगी। अब बैल्स होते हैं तो उनको मैं बाहर निकाल लाऊंगा, क्या करना है क्या नहीं देखते हैं। बैल्स वाला एरिया तो बन ही नहीं पा रहा है अभी फिलहाल। लाओ एक एक करके निकालो, इधर 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 भागे मत, इधर मेरे साथ इधर देख, इधर अंदर घुसने का है आराम से, कोई टेंशन नहीं है बिल्कुल। देखो अब इतने बड़े एरिया में रहने में कोई दिक्कत होनी चाहिए, इसको कोई दिक्कत नहीं होनी। बंद करो, खुले में और है अब तो, बढ़िया एकदम, मौज लेके रहो, मौज काटो। अरे कहां खुद ही से जाना चाह रही है क्या? चलिए चल, खुद ही से चुना भाई, खुद ही से चुना इसने। मैं इसमें जाऊंगी, मेरे को तो इसी में रहना है। तू किधर जा रही है? अबे इधर नहीं है, इधर है अपना सिस्टम, इधर 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 इसके अंदर तू चली जा, बढ़िया ठीक है, गेट करो बंद, चल बढ़िया रहे। अरे इधर समझ में नहीं आ रही, समझ में नहीं आ रही, दिखे चल और रह रही है, एक और को ले। आजा भाई तू भी आजा, पकड़ो पकड़ो, पकड़ ली तू इसके अंदर। और क्या दिक्कत है भाई, इतना बड़ा बड़ा एरिया है, इसके अंदर दो काउ और आ जाए ना आराम से, इनके बच्चे तो उनमें भी दिक्कत नहीं है। अभी गेट बंद कैसे होगा? गेट बंद करो, ये वाला गेट तो, अभी ये वाला गेट ही अंदर घुस गया है गेट। चल भाई धन्यवाद आपका यहाँ आने के लिए, और आराम से खाना खाओ इसके अंदर से तुम, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। और अब देखो मुझे अंदर जान दो, थोड़ा सा ऐसे जाना पड़ेगा मुझे। ये देखो अब यहाँ पे अगर मशीनें लग रखी होंगी तो कितनी आराम से इनका दूध आ जाएगा भाई। मतलब सेटअप तो बढ़िया बैठाया है मैंने, सेटअप में कोई कमी नहीं थोड़ी है मैंने, अब बस काउस की कमी है, काउस और लेके आऊं। ये काम करूं, खरीद के लाऊं क्या? पैसा कितना है मेरे पास? अरे मुझे मीट वीट भी बनाना था भाई, मीट वीट के लिए भी बहुत सारा पैसा चाहिए। पैसा आ क्यों नहीं रहा है? क्या दिक्कत आ रही है पैसों में? कर से पैसा आता था और कर तुमने बिचवाना बंद करवा दिया मुझसे, बताओ कोई बात है? देखो कितना सारा कर इकट्ठा करके रख रखा है मैंने, इसमें तो आ भी नहीं रहा। बताओ एक कंटेनर दो मेरे को, 1 2 3 4 5। अब लाओ टेस्टिंग करते हैं, थोड़ी बहुत टेस्टिंग करते हैं, जो मैंने बनाया है, जो मैंने सोचा है, इतने दिन हो गए मेरे को, 3-4 दिन हो गए बनाते हुए, क्या वो काम कर रहा है? और यहाँ पे कोई काउ है क्या? तू काउ, ओए तू बड़ा हो तो बता दियो, काउ बन रहा है कि बछड़ा बन रहा है, जो भी बन रहा है तू बता दियो मेरे को, मैं तुझे ले जाऊंगा। और बैल्स यहाँ पे 1 2 3 4 बैल हो रखे हैं, अब वहां बैल छोड़ के आना पड़ेगा एक, तब एक और बच्चे होंगे। खैर अभी तो सारी प्रेग्नेंट है वो, तो अभी मुझे कोई जरूरत नहीं है वहां छोड़ के आने की। जब वहां किसी का बच्चा हो जाएगा तो उसके बगल में मैं छोड़ दूंगा। फिलहाल ये उठाओ और लेके चल, खोलो गेट, खोलो, लाओ मिल्किंग मशीन यहाँ रखो, ये कैन यहाँ रखो और चलो। अभी के लिए ये मिल्किंग मशीन उठाओ, इसको करो बंद। ये देखो ये मिल्किंग मशीन रखी जाएगी ऐसे, ऐसे नहीं रखी जाएगी, ऐसे रखी जाएगी बीचों बीच, ठीक है, ऐसे ये रख दी यहाँ पे कुछ।
इस तरीके से, और अरे वापिस पैक हो गई, यहाँ रख जा चुपचाप। चलो अब मुझे उसमें से कैन उठान दो, अठियो रे यहाँ से अठियो, ये कैन उठाई, यहाँ से कूदे, ये रखा इसके अंदर, और बस ऐसे दूध निकालना है। इसको लिया और ये कर दिया फिट इसके अंदर, इसके बाद इसमें कर दिया है भाई, सही है कि नहीं। और वैसे मेरे को यहाँ पे भी अगर मैं फेंस लगा दू ना इनको, अगर मैं देखो ये अभी दूर है, ये अच्छा खासा दूर है, बहुत ज्यादा स्पेस मिल रही है। अगर इसको मैं इधर की साइड रख के और यहाँ बीच में फेंस लगा दू तब भी दिक्कत नहीं है यार, और यहाँ पीछे बैल्स रख लेंगे अपन है। मस्त आइडिया ले रहा है मेरे को, मस्त। इधर इधर, हाँ इधर लग, इसको ऐसे लगाएंगे अपन ऐसे, तो क्या दिक्कत है बताओ। लेकिन अरे नहीं अब वो लगेगी नहीं ना, पहले अपन ने सेटिंग बाजी पहले जैसी कर रखी है। लेकिन फेंस गेट लगा दें अगर इसकी जगह पे, तो फेंस गेट ऐसे लग जाएंगे यहाँ पे ऐसे। अरे हटना काओ, काको तो अपन सेटअप कर लेंगे बाद में। ये फेंस गेट लगेंगे कुछ इस तरीके से, देखो क्या सही लग रहे हैं फेंस, सही लग रहे हैं यार, हो जाएगा काम, हो जाएगा बाद में करेंगे काम, बाद में करेंगे जब अपन पूरे फ्री हो जाएंगे ना कि हाँ भाई अब तो हो गया सब कुछ, तब करेंगे काम। लाओ ये दो, इसमें फिट कर दूं। अभी मशीनें कम है भाई, ये हर एक पे मशीनें रखनी है मेरे को, अभी मशीनें बहुत कम है। तू काओ इधर आ, तू मेरे साथ आ, थोड़ी सी पास में आ, इसको निकालो, इसको डाल दो इसके अंदर। भाई चार का ले लिया फिर भी इसने, और ये फुल हो गई है, रुको ये लेके चलो। अभी के लिए यहाँ पे बन रहा है कर्ड, कर्ड का एरिया भी पूरा शिफ्ट होगा तो यहाँ तक इसको भी नहीं लाना पड़ेगा, ये रख दिया। अब एक एक में अंडा डालो, भाई बहुत सारा चीज बन सकता है अगर मैं चाहूँ तो। चलो मैंने सारी चीजें ऑन कर दिया, बर्नर वगैरह। अब इसको एक और मैं बच रहा था ना, हाँ करो फिट, यहाँ फिट हो जा। चल हमारा दूध बहुत भयंकर, ये आ गया दूध। चल अब तू आराम से घूम सकती है, बढ़िया कोई दिक्कत नहीं है हमको, तुम घूम। देखो कोई सा मर मत जाना, सब खाना खा रहे हैं ना, बढ़िया। नहीं खा रहे यार, वो एक कम हो रही है इनकी फूड है, फूड बार कम क्यों हो रहा है इनका, अंदर बनाना पड़ेगा क्या एक एक के। शिट भाई ये चार काओ मरना, भाई नहीं मैं झेल नहीं पाऊंगा, ये चार वो मर गई तो अगर अंदर बना दूं क्या। वो ये खाना तो नहीं खा रही, देखो ये लोग खाना तो नहीं खा रही है, मुझे तुम लोग ये बताना ये खाना खा लेंगी ना इतनी दूर, मुझे नहीं पता है, ऐसा तुम मत बोलना ठीक है, तुम ऐसा बोलोगे तो शिट हो जाएगी। लाओ एक दो तीन, इसके अंदर डालो एक दो तीन, फिर एक दो तीन। चलो भाई आज देख के आता हूँ भाई, अगर कर्ड पे सेल चल रही होगी तो कर्ड बेच के निकालते हैं, फिर पैसा आएगा बहुत सारा, फिर करेंगे भाई अपना काम धंधा। यहाँ के प्लांट वगैरह भी सब मर गए, ये भी सही करना है। अरे यार काम बहुत है इस वाले में, सिस्टम हैवी हो जाता है पूरा। तुम बनो रे, तुम बनो जल्दी जल्दी बनो। हाँ एक दो तीन, उठाओ ये बड़ा ट्रक लेके जाना था ना मेरे को, हाँ बड़ा ट्रक लेके चलेंगे इस पर, ये खोलो आगे ले। चल पीछे चल, पीछे चल, पीछे चल। अब काओ वगैरह मरेंगे तो मरेंगे भाई, ये टेस्टिंग फेज है अपना, मैंने रख तो दिया उनको, अब देखो क्या होता है क्या नहीं पता नहीं। इसको उठा, इसको रख यहाँ पे, और उसके बाद एक पेट्रोल की टंकी भी ले ले क्योंकि पेट्रोल कम है अपने ट्रक। चलो भाई लेट्स गो, बेस्ट बर्गर चलते हैं। और अगर वहाँ सेल नहीं चल रही होगी ना तो इन डब्बों को वहीं रख के आएंगे, कोई दिक्कत नहीं, एकदम मस्त शहर है, कोई नहीं चुराता है वहाँ से डब्बे, इन डब्बों को वहाँ रख के आएंगे। और ये गया, कुएं में चला गया मेरा पूरा ट्रक, फिर बार बार ट्रक ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी ट्रक में सारा सामान जो अच्छा खरीदने के लिए ले जा रहा हूँ ट्रक को, मैं भी कुछ भी बोलता हूँ भाई। चलो छोड़ो भाई सारी बातें, यहाँ पे मैं ट्रक लगाता हूँ। और ये अबे हेल्थ किसकी दिखा रहा है ये, मेरे को मेरे घर से इधर तक हेल्थ दिखा रहा है, ये देखना ही कोई बात है यहाँ लगा। और अभी चल रहा है क्या भाई सेल वेल चल रही है क्या, ये बताओ तुम मेरे कार्ड पे। वाइल्ड मीट चिकन मीट बॉल, अरे यार है ही नहीं भाई, चल ही नहीं रही है, सेल ही नहीं चल रही है। अब इसको रखो अभी के लिए फिलहाल यहाँ पे ठीक है ना, ये अगर माल गायब हुआ मेरा, बहुत महंगा माल है देख, पीट पुटा दूंगा इनको, बता जाता हूँ मैं, यहाँ रख रहा हूँ, सुनो ये मेरी बात देख, बगल जो है बगल में मेरा माल रखा हुआ है, सुन रहा ना। हाँ तो वो उसको रखे रहने दियो, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, भी आके ले जाऊंगा बाद में, जब बेच जाऊंगा, जब भी बेचना होगा जब बेच जाऊंगा। फिलहाल मेरे को इससे 5,000 रुपए मिल रहे हैं इसी कार्ड से, जो ज्यादा महंगा नहीं बिक रहा है। तुमने बोला है कि अभी महंगा नहीं बिक रहा है ये कार्ड, जब महंगा बिकेगा पता नहीं तब तो क्या भाड़ ही देगा सब। कार्ड का ऑफर देखना है, कार्ड का अभी तक तो आया नहीं है, कल के दिन और देखूंगा कार्ड का ऑफर आ जाए तो बढ़िया। चलो भाई इसको मैं यहाँ ले आया, और बड़ा ट्रक क्यों लाया मुझे पता ही नहीं, बड़े ट्रक का ज्यादा काम था नहीं मेरे पास, मेरे को बहुत सारी वुड चाहिए होती तो मैं बड़ा ट्रक ले भी आता, बट अभी तो अपना पूरा हो गया ना। अरे नहीं पूरा काम हुआ है, अभी वो बनाना है अपने को बीच वाला रूम, वो कहाँ बनाया, अरे वो भी तो बनाना पड़ेगा अभी, रूम बीच वाला रूम बनाना पड़ेगा। वुड लूं, बहुत सारी वुड लेता हूँ, ग्राइंडर वगैरह अगली में काम करेंगे ग्राइंडर से, क्या कहते हो। वैसे ग्राइंडर अगर ये दो ऐड करता हूं तो 2,000 रुपए के पड़ रहे हैं, 2,400 बस यही आ पाएंगे, लेकिन इससे सॉसेज बन जाएगा, लेकिन सॉसेज बनाने के लिए फिर मेरे पास वो नहीं है कबर्ट वगैरह, तो क्यों ना वुड ही ले ली जाए वापस से। चलो 1,600 रुपए की मैं वुड ही ले रहा हूँ वापस पूरी, तो इससे क्या होगा इंटीरियर बन जाएगा, मैं जो चाह रहा हूँ सॉसेज और चीज रखने के लिए वो बन जाएगा। चला कौन रहा है इसको, ओए वो अपने आप चल रही है गाड़ी, गाड़ी अपने आप चल रही है, गाड़ी अपने आप चल रही थी, देख रहे हो तो जादू हो जाता है जादू, जोर से भूत है यहाँ पे, डरावना सीन चल रहा है। चलो भाई सारी चीजें जमाता हूँ फिर मिलता हूँ। और भाई ये वुड उठाता है डॉग, वुड भाई इसको कहाँ से लेके आऊँ, डॉग तो आ ही नहीं रहा है मेरे साथ, डॉग आ ही नहीं रहा है, बताओ तू कहाँ जा रहा है, तू सीधा सीधा लगना इधर की साइड, बस थोड़ा पीछे हो पीछे हो पीछे हो। वरना सुना है कि ये डॉग जो मैं जमा रहा हूँ ना डॉग हेल्प कर देता है इसमें, क्या मतलब रहा भाई डॉग बुलाने का, ना तो वो मेरी सीटी सुन रहा घर जाने के बाद ना कुछ सुन रहा, ढीठ हो गया ढीठ। चलो भाई वापस से मैंने सारी
ग्रासवुड कलेक्ट कर ली है, अभी एक बच रहा होगा, शायद एक प्लैंक बच रहा होगा, 49 होंगी ये, क्योंकि एक जो है उचटती हुई वहां चली गई थी। रुक जाओ देखने दो, देखो वो पड़ी हुई सामने पड़ी हुई, इसको और रखनी है। अल्लाह इधर दे इधर दे, एक भी छोड़ूंगा नहीं मेरा सारा माल। ये लो ये भी रख दिए, लेट्स गो। उरी बाबरी, ओ हेलो बाबू। अरे यार आज भी देख मेरी बंदूक में ना गोलियां नहीं होंगी, मेरी गोलियों में गोलियां है तो सही, है तो बाबू कम हियर। ओए शिट, अबे नहीं, शिट मर गया 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 मर गया। नहीं 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 नहीं, आ ओ लॉर्ड, अबे नहीं, क्या गेम जीरो से, अबे शिट हो गई शिट हो गई शिट हो गई। आ मैंने क्या करा, क्यों पंगे लिए, कहां पे पैदा होऊंगा, क्या होगा मेरा गेम चल। अबे नहीं यार, मैंने कितनी मेहनत करके ये सब जमाया था, ये देखना ये डांसिंग कार चालू हो गई, ये फंसा हुआ है ना, ये एक फंसा हुआ, इस चक्कर से रुक जाना। अरे भाई ऑटो सेव वाला जो होता है ना, जो ऑटो सेव होता है अपने आप गेम, वहां से चालू कर देता है इस गेम को। देखो मेरे पास गन बंदूक भी होगी, और भाई डॉग रिवाइव करने का काम भी करता है, मेरे पास डॉग है ही नहीं यहाँ पे यार, क्या मतलब है भाई, क्या मतलब है, क्या सेंस बना डॉग खरीदने का, कितनी मेहनत वेस्ट चली गई मेरी, बताओ कोई बात है। अब इतना सारा माल वापस उठाऊं मैं, मिलता हूं भाई तुम लोगों से, ये उठा के मिल। भाई मैं भी फालतू में पंगे ले रहा था, मेरे को पता नहीं था कितनी गोलियों से मरता है, अगर पता होता ना तो मैं पंगे लेता ही नहीं उस, मार ही दिया भाई कतई मार दिया उस इंसान। चलो भाई वापस से मैंने सब कुछ जमा दिया है सामान, अब कुछ और लेना है वो देख लेता हूँ, कुछ लेना हो तो, बाकी फिर चलते हैं घर पे। हाँ मुझे चाहिए थी एक तो कैंस, ठीक है दो कैन ले लेता हूँ, और यहाँ पे तो वो है ही नहीं ऑटोमेटिक मिल्क, वो मिल्क निकालने वाली मशीन तो है नहीं, दो ये ले लेता हूँ कैन, ठीक है बस हो गया मेरा काम। चलो भाई घर चलते हैं। अब वो बियर मिला भाई, कभी मुंह नहीं लगूंगा बियर के, मेरे को मतलब ही नहीं बियर, साढ़े कर जो कर, मस्ती कर रहा था यार मैं, मस्ती करने करने में मैं पिल जाता हूँ, बताओ कोई बात नहीं। लेट्स गो, धीरे धीरे चलते रहो, यहीं पे था, यहीं था वो बियर, चला बियर को बियर पिला के इसको मैं नचवा दूंगा भाई, बता रहा हूँ गुस्सा बहुत आई मेरे को, इतनी गुस्सा आई ना, एक बार तो मारूंगा भाई बियर, एक बार तो मारूंगा। और वो डॉग किस काम का यार, उस डॉग को लेके आओ कोई, मेरी बात नहीं सुन रहा है वो डॉग, साला डॉग ही रहेगा, उसका नाम नहीं बदल रहा भाई, तुम नाम तो बताना, देखो नाम तो बताना, वो देख लूंगा, मेरे को कंट्रोल करना आ नहीं रहा उनको, बस ये बात है, ऐसे गुस्सी नहीं हूं मैं उनसे, लेकिन अभी फिलहाल गुस्सा आ रहा मेरे को उस बियर पे, गुस्सा आ रहा, फिर गुस्सा आके भी क्या हो जाएगा। अब चलो घर, वुड वापस से जम गई है, अब कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ ये सारी वुड जाएगी डायरेक्ट यहाँ पे। और काउज आर यू डेड, वो डेड तो नहीं हुई, काउज आर नॉट डेड, और खाना खा रही है, लेट्स गो, खाना खप रहा है इनने नहीं। अरे बाहर कूड़े वाली गाड़ी आ गई बाहर, ओ इसका तो बच्चा, यार ये गलत सीन चल रहा है, गलत सीन चल रहा है, देखो इधर ये नहीं खाया इनने, खाना नहीं खाया इनने, क्यों भाई खाओ ना, मुंह पे पड़ा है तेरे तो खाना, तू तो खा सकता है, ये भी खा रहा है शायद, ये भी खा रहा है, इसका भी बच्चा हो गया है भाई, सबके बच्चे होने आ रहे हैं देख रहे हो। चलो भाई मैं अंदर का एरिया बनाता हूं, और इसके लिए मेटल्स लाने थे वो लाना भूल गया हूं मैं, और पानी कहां से आ रहा है तुम्हारा, अच्छा पानी वहां से आ रहा है ना उस विंड मिल से, ठीक है लाओ अब ये फाउंडेशन बना दो, एक दो यहाँ पे लग गई, ठीक है एक दो यहाँ लग जाएगी, उसके बाद एक दो ये, और एक लगेगा यहाँ पे, और एक लगेगा यहाँ पे, बस इतना लगना है ये, और ऊपर छत बन जाएगी, और ये बीच में गेट वाला एरिया बनाऊंगा, रुक जाओ इसमें गेट वाला भी होता है, ये रहा ये डोर वाला है, बट मैं चाह रहा हूँ पूरा इतना बड़ा खुला रहे तो अच्छा लगेगा, लेकिन शायद छत बनने में दिक्कत आएगी, वो छत देख लू मैं जरा। वुडन रूफ, ये रही वुडन रूफ, ये कैसे लगेगी भाई, ओके ये लग तो रही है, ऐसे लग रही है ना, यहाँ पे ये ऐसे लग जाएगी, और उसके बाद ये कुछ इस तरीके से, और ये कुछ इस तरीके से लग गई ना, वो सही है, हाँ वो डोर लगाना पड़ेगा मेरे को, या फिर ये पूरा एरिया ही खुला रहने दूं, रुको रुको देखने दो, इसके बगल में लग रहा है क्या ये, अरे नहीं लग रहा यार बगल में नहीं लग रहा, बट अगर मैं ये डोर फ्रेम लगा के ऊपर वाला ये लगाता हूँ, ठीक है एक यहाँ लगाया मैंने, और दूसरा मैंने लगाया यहाँ पे, और उसके बाद अगर मैं नीचे का हटा देता हूँ, ऊपर का हट गया वो, ये विंडो किस काम की है, विंडो कहाँ लगेगी, ये तो छोटी सी विंडो है, बट ये लग कहाँ रही है, लग भी नहीं दिखाई, छोड़ो भाई ये लगाना पड़ेगा मेरे को, एक ये लगाता हूँ उसके बाद ये लगेगा, और भाई यहाँ पे गेट नहीं बनाऊंगा मैं, ये खुला हुआ रहेगा, परमानेंट खुले हुए रहेंगे, और यहाँ पे क्या लग गया ये, यहाँ से चलो ये भाई ये अपना वो एरिया हो गया है जिसके अंदर कर्ड बनेगा और सॉसेजेस बनेंगे, सॉसेजेस इसमें नहीं बनेंगे, सॉसेजेस बनाने के लिए ना भाई कहीं और बनाना पड़ेगा, वैसे इसके अंदर भी बना सकता हूँ सॉसेजेस, बट बीफ अपना उस वाले एरिया में कटेगा ना, तो वहीं कहीं बनाएंगे, यहाँ पे तो बस ये खाना ऊखा खा लिया, खा लिया भाई खाना खा लिया, लेट्स गो, तालिया बजाओ तालिया, अरे अरे हट जा, अरे फिर अटक गया ये इंसान, पागल वागल है क्या, अभी तोड़ना पड़ेगा यार मुझे ये, इसलिए गंदे लगते हैं मेरे को। अब देखना अब ये देखना, मेल मिलाप करेंगे ये लोग बैठ के भाई, यहाँ पे मेरे को खुद का भी रास्ता बनाना पड़ेगा, देखूंगा वो रास्ता देखूंगा बाद में, इसको लगाओ अभी के लिए ऐसे, और वो डालनी पड़ेगी अभी इसके अंदर, ठीक है डाल दूंगा मैं, नहीं ढंग से नहीं बनाई। चलो भाई आज के दिन रात हो गई, आज के दिन तो मैं सोने जा रहा हूँ, और इसके अंदर से खाना कम हो नहीं रहा है, पता नहीं ये लोग कहाँ पे हैं, मेरी बिलौटी बिल्ली, ओए बिल्ली ओए तू खाना क्यों नहीं खा रही, ओए पागल वागल है क्या, और मेरे तो डॉगी मिल
चल ही नहीं रहा है। डॉगी तो पता नहीं भाई कहाँ ही चला गया। चलो भाई अगला दिन तो हो गया है, ये सब तो ठीक है। ये भी सो रही है, बिल्ली को सोने देते हैं। खाना नहीं खा रही है बिल्ली, मुझे नहीं पता क्यों। डॉगी मुझे दिख नहीं रहा है, दूर दूर तक ही नहीं दिख रहा भाई डॉगी। सीटी बजा के बुलाऊं क्या भाई? सीटी बुलाने पे भी नहीं आ रहा है, वही मिल ही नहीं रहा है भाई डॉगी तो। सीटी बजाता बजाता मैं कहाँ आ गया हूँ, डॉगी कहीं भी नहीं है। छोड़ो भाई डॉगी, इसको देखना पड़ेगा क्या करना है डॉगी इसका। यहाँ पे मुर्गी अंडा दे रही है बढ़िया अपना। अब मुझे दो तुम फटाफट फटाफट वुड, ठीक है। अब मुझे बनाना है ये अंदर का एरिया, ये बनेगा। 1 2 3 ट्रक के अंदर ले लेता हूँ मैं। ट्रक इसमें आ जाएगा क्या? ये आ गया ट्रक अंदर, देख रहे हो तुम, सारा इंतजाम है हमारे यहाँ। ये गेट खोलो और अब दे भाई वुड। चलो एक एक करके डालता हूँ मैं। इसके अंदर लगाना है, इसके अंदर लगाना है, उसके बाद ऊपर लगेगी थोड़ी सी, यहाँ थोड़ी सी, यहाँ थोड़ी सी, यहाँ और एक ये, एक ये, एक ये, यहाँ पे, यहाँ पे, और हो गया भाई, हो गया। अच्छा बन रहा। छत यहीं से कंप्लीट कर देता हूँ। एक ये बची हुई है, ये छत कंप्लीट हो गई। एक और यहाँ डालो। एक ये बची हुई है, एक ये, एक दो और ये 3। चलो भाई पूरा बन गया। और बगल बगल में ये गैप छोड़ू कि नहीं छोड़ू? वैसे तो लाइट्स लगेंगी इसके अंदर, रुक जाओ। लाइट्स हर जगह लगाता हूँ लेकिन प्रॉपर पूरी नहीं करता हूँ कभी भी। इसमें मेटल डलेगा लैंप में, और एक और होती है यार लाइट, जिसमें शायद से तो सिर्फ वुड डलती है, वो मिल नहीं रहा है मेरे को। क्या पता भाई, यही लैंप्स लेता हूँ और इन लैंप्स को लगाता हूँ। देखो यहाँ ऐसे ऐसे लगेंगे लैंप्स, ठीक है। एक यहाँ पे लगेगी, उसके बाद एक लगेगी लैंप यहाँ, एंड उसके बाद एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। चलो मेटल लेके आऊं। वैसे मेरे पास 20 का वो पैकेट पड़ा था ना मेटल का, कहाँ गया वो वाला? ये रहा भाई, ये रहा। एक ही बार में सारा काम करता हूँ मैं यहाँ। और ये देखो भाई यहाँ से क्या लग रहा है ये एरिया। अभी ये बंद होगा, बगल में पैक होगा, वो पैक किया नहीं अभी मैंने। खोलो गेट, खोलो गेट, खोलने में देरी नहीं होनी। लाओ 4 4 8 हो जाना चाहिए, पूरा हो जाना चाहिए वाला पूरा। ओके एक लाइट रह गई है, अब इनको ऑन कैसे करूं? भाई ये देखो क्या सही लग रही है। अब बताओ इसमें कोई उजाले की कमी है, लाइटिंग की कमी है यहाँ पे? अब यहाँ पे आराम से देखो ये कितनी भी बना सकता हूँ चीज के लिए, 1 2 3 जितनी बनानी उतनी बना सकता हूँ मैं। और अच्छा ये रहा भाई वुडन लैम्प, देखो वॉल लैम्प ये भी लग जाती है ऐसे, बट अभी इतनी सारी लगाई दी है तो क्या मतलब है। बाकी अब मेरे को ये साइड वाले ग्लासेस बनाने, क्या ये बन जाएंगे? रुक जाओ, और ये ग्रीन हाउस वाले में से बनाता हूँ। देखो इसके अंदर भी है वैसे तो वुड होनी चाहिए इसके अंदर, रुक जाओ देखने दो। ये रही ये वॉल इधर लग रही है, लेकिन अभी वो ऊपर वाला एरिया बंद कैसे होगा? वो तो बंद ही नहीं होने आ रहा, के अंदर कुछ ही नहीं ऐसा। इसके अंदर तो बंद करा था यार मैंने, इसी से तो बंद करा था। देखो हाँ ये ऐसे, लेकिन बड़ा चाहिए ये, इससे बंद नहीं हो रहा ये पता नहीं किससे ही बंद होगा। छोड़ो भाई ये देखना पड़ेगा ये चीज किससे बंद होगी, कोने कोने वाली। बाकी खुली हुई भी अच्छी लग रही है, खुली हुई भी गंदी नहीं लग रही। और अबे क्या हो गया, कौन सा? अरे रे रे भाई बहुत ज्यादा मौसम खराब हो रहा है। मेरे पेट्स वगैरह कहाँ है यार, इसलिए नहीं खुले छोड़ रहा था, पता नहीं वो पेट्स कहाँ है सारे के सारे। बिल्ली कहाँ है भाई? हेलो बिल्ली, गए भाई गए, सारे पेट्स गए। गेट खोलिए वाला, यहाँ पे भी कोई, और ये भी फैला पड़ा है, सामान भी गए, और खाना भी हल्का सा खाया है किसी ने तो, क्या पता भाई। मैं सो जाता हूँ, शायद ये थंडरस्टॉर्म चला जाए। नहीं जा रहा भाई। वैसे भी भाई आज के लिए आधा काम तो हो गया है, ये बन गया अपना। इसके अंदर काउज वगैरह शिफ्ट कर दिए, और आवाज कम कर लेता हूँ थोड़ी में। और वहां पे बच्चे भी हो गए, तो मेरे को वहां पे बुल छोड़ के आनी है। इसमें से कोई काउ बनी है क्या? अरे ओए छोटू बड़ा हो जा यार, 2 छोटू है यहाँ पे जो कि बड़े नहीं हो रहे हैं अभी। तो चलो भाई ये वाला काम बाद में करेंगे, आज के लिए बस इतना ही। आज अपना फाइनली काउ फार्म कंप्लीट हो गया है, 2-4 आइटम बचे हैं। वो तो जैसे जैसे पैसा आएगा वो सब वैसे वैसे लगेगा। बाकी एक बुल का एरिया है जो कि नहीं बन पाएगा, उसी के अंदर से मैं शायद आधा पार्ट कट कर दूं। जैसे 2 कॉलम का बनाया ना मैंने काउ की जगह, उसकी जगह 1 कॉलम का करके अपन बना सकते हैं, तो वो अपन बाद में देख लेंगे। बाकी अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।